अभी तुम लोग आ हेलो कुछ बोलो आवाज आ रही है कि नहीं चेक कर लेता हूं हेलो हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग हेलो 1 2 3 1 2 3 यस सर पीजे पीजे यू आर लाइव पीजे आई थिंक वी आर लाइव हां लाइव हो चुके हम लोग हेलो हेलो हां लोग आना चालू okay. हो चुके हैं ओके ओके ग्रेट ये पब्लिक किया ना मैंने हां पब्लिक है पब्लिक है सब्सक्राइबर ओनली तो नहीं करती वो वो मेंबर्स ओनली तो नहीं कर दिया वो, वो, नहीं भाई पब्लिक दिख रहा है पब्लिक आए हाय हेलो भाई लेट लेट ओपीएस सर ठीक ठीक ओके भाई लाइव मैन ऑफ यस कौन है होस्ट आज का उस दोस्त मेरे को नहीं, नहीं हो अच्छा तुम ही कर लो तुम ही कर लो चलो 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 तो गाइस वेलकम टू मैन ऑफ कल्चर पॉडकास्ट नंबर व्हाट इज दिस पॉडकास्ट नंबर आई थिंक 90 वी आर ऑन 90

डीजे को पहले तीस सेकंड में ये सब नहीं करना होता है यूट्यूब को बुरा लग जाता है आ, अबे यार ये या, पॉलिटिकल लीला फड़ा करेंगे ना बहुत देख लिया ऐसा वाला करो भाई ये ये सब बातें छोड़ो फालतू की मेरे को सबसे पहले बताओ कि आज दिन कौन सा है संडे संडे तो आप अपनी पॉडकास्ट सैटरडे को क्यों नहीं गई uh, मेरी वजह से आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैंने सोचा था हाँ। कि सैटरडे को मतलब फ्राइडे एक दिन एडवांस इसलिए बुक किया हुआ था कि मूवी देख लूंगा आके रिकॉर्ड कर लूंगा होटल से और दूसरे दिन इवेंट अटेंड करके घर चला आऊंगा हुँ। तो हुआ क्या कि रिकॉर्ड करते करते मुझे पता नहीं था दिल्ली में भी ट्रैफिक मिलेगा मुझे तो चार तो ऐसे ही बच गए जैसे यहाँ पे वीडियोस डालता विडियोज अपने घर पे वैसे ही शाम हो गए डालते डालते वहां पे भी चलो कोई बात नहीं है फिर आ... ये बात कर रहा हूँ फ्राइडे की बात कर रहा हूँ मैंने बंदो को प्रॉमिस भी किया था मिलने के लिए तो वाई बी पी से भी मिल लिया बात करनी थी तो उससे मिला एंड बाकी सारे क्रिएटर से भी मिला जो मिल सकते थे क्योंकि अमन तो अमन की फ्राइडे वो लाइव करता है और मैं उसे लेट तक नेक टू नेक भी घर नहीं भेजना चाहता था कि भाई एकदम साढ़े नौ बजे छोड़ू वो जाए तुरंत लाइव पे बैठे तो जो जिन लोगों से नहीं मिल पाया था मतलब क्रिएटर से से मिल लोगों से मिलना ही मेरा मेन था वो मिला दूसरे तो दिन इवेंट हुआ और लोग मैसेज कर रहे हैं मैं काफी देर बाद व्हाट्सअप पे खोल के देख रहा हूँ फिर मैं डिसीजन दे के बता रहा हूँ कि भाई हो नहीं पाएगा तो सैटरडे को मैं सोचा ट्रेन में भी वाईफाई तो है नहीं एंड सैटरडे वीक गया तो अभी जस्ट मैं हूं, यह, हूं, तो मैं हूं तो अभी तो आया हूं मैं आया बजे एंड यहीं आके बैठा पूछ रहा रहा है थंबनेल तो कि तो, बादल, तो बादल की वजह से अच्छा ओ, 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 वही तोल बनाया इसलिए हमने पीछे का थंबनेल बना दिया आ, कैसा लग रहा है थमनेल बनाना बीस मिनट बढ़िया

हो गया तो, तो हर हफ्ते मिल ही लेते हैं इन लोगों के साथ तो बात हो जाती है पॉडकास्ट तो नई स्केड्यूल हो जाएगी आ, नए तो हो नया स्केड्यूल हो गई नया मालिक ऑलवेज तो नहीं तो तुम जानते हो ना कि मैरिड लाइफ को स्पाइस करने के लिए एक टाइम के बाद तुम्हें कुछ और चीजों का हेल्प लेनी पड़ती है ना दूसरे लोग को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ओ भाई मेरे को देखना है पीजे की नहीं छोड़ो छोड़ा रहे तो भाई। उस तरफ नहीं जाते हैं <coughs> तो आ, टाइटल आज का अपना ऐसा ये कहां से आ गया है? टाइटल आज का अपना है वी वी आर आर इन द बिग बिग नाउ बॉयज लिखा लिखा है तुमने yes, are... अच्छा वो लिखा क्या किस किस इंटेंट से तुमने लिखा बिग बॉयज अरे मतलब भाई बड़े लोग हो गए अब अपने को इवेंट वगैरह तो पे, दब... पे बुलाया जा रहा है पीजे को इवेंट पे बुला लिया है बादल ने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है मोहित को भी ऑफर तो आया भी, है यस yes, ऑफर आया है तो मतलब तो पहले इसी से ले लेगा एक एक करके पीजे इवेंट के बारे में बताइए आई थिंक अपन को पैसे चार्ज करने चाहिए इन सब चीजों के आ, 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 वो उसका मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा पहले उससे पहले तुम बताओ कि कैसा था इवेंट कौन से इवेंट पे गए थे क्या था कैसे हुआ एक्चुअली मैं वो अब देखो अब हम तो गए नहीं हमको तो बुलाया नहीं उसमें हाँ नहीं बादल को लोग पूछ रहे थे बादल क्यों नहीं आया यार और उसका मोस्ट प्रोबेबली शायद इंडिया में सबसे बड़ा चैनल है अब इसका अब इसका है ना एकदम एकदम मजेदार कहानी बताता दो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, है? तो, तो पीजे ने पीजे ने मेरे को फोन किया पूछा कि हुँ. तुमको आया था ईमेल वगैरह कुछ ऐसा ऐसा इवेंट है मैंने नहीं भाई मेरे को तो नहीं आया तो पीजे बोला रुक अभी पूछ के पूछता उनसे ठीक है तो पीजे ने जब पूछा तो वो क्या बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर्स को लगता था कि मैं बांग्लादेश से हूँ ओके <laughs> <Okay. laughs> तो इसीलिए उतने दूर से क्रिएटर को बुलाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था ठीक है तो नुँँ। पीजे सर ने अपना डाउट क्लियर किया कि नहीं भाई बांग्लादेश से नहीं है वो तो उसके बाद उन्होंने पीजे को बताया कि अब तो हमारा बजट खत्म हो गया ओहो oh. <laughs> तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं पीजे आप आप जाइए हम घर में तो... बैठे बैठे थोड़ा तो वहां भी लोग पूछ रहे थे बादल क्यों नहीं आया क्यों नहीं आया मैंने बता दिया ऐसे कुछ कोर्स वोर्स वाला मैटर है इसलिए सच बता रहा था ना मैं कि बुलाया ही नहीं 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 मैं क्या ना अब ये मैं देख रहा था ना अभी वो एक बंदे के साथ मैंने बताया और मुझे फील हुआ कि काफी समझाना पड़ रहा है इस बात को और काफी लोग थे तो मैंने बोल दिया वो अपना कोर्स का कुछ देख रहा है इसलिए <laughs> तो पैसा प्रायोरिटी है इसलिए नहीं आया आ, आ, अच्छा भाई बुलाया ही नहीं यार सैड हैश सैड हो जाए चैट में पहले तो लेकिन एक्चुअली मैं नहीं आया थी, क्योंकि गर्मी बहुत थी ओके। पहले इनका वेन्यू किसी मॉल में था पता नहीं किसी कारणवश इन्होंने फिर बाद राजा राम मेमोरियल हॉल में इसे सेट किया ओके। जो ओके। कि था एयर कंडीशन ऐसी बात नहीं थी काफी थे लेकिन पता नहीं क्यों अंदर बाहर होने की वजह से काफी गर्मी होने लगी थी ए सी कम पे चला रहे होंगे मतलब टेंपरेचर अच्छा ओवर ओवर ज्यादा ओवर लोग क्राउड हो गया था लोगों को लोगो बैठने की जगह तो नहीं मिल रही थी मैं बता रहा ब्रो लोग खो गए थे काफी और तो बादल पीजे, फिर पीजे को देखने के लिए इतनी जनता नहीं 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 एनीमे के लिए व्यूक था जो व्यूक था उसको उस, उसकी ऑडियंस आई हुई थी काफी और आई थिंक उसने अपनी YouTube चैनल पे भी अनाउंस किया हुआ था हाँ हाँ। तो उम्मीद से आया नहीं क्योंकि मैंने बहुत देखा नहीं है लेकिन, उम्मीद से फिर... नहीं आया। आ, लेकिन फिर भी लेकिन कॉस्ट प्लेयर्स को देखा काफी अच्छा लगा फोटोज तो मैं नहीं ले पाया क्योंकि मैं उन्ही लोगों में बिजी हो गया था लेकिन फैन मैं एक्सपीरियंस करना चाहूंगा कि जाके मैं देखूं चीजें वो तो किया है अपन ने कहां पे कॉमिक कॉन हां नहीं नहीं तो एक एनीमे वाला भी करे ना ओके okay. कहीं पे आई थिंक नागालैंड में कहीं होता है अच्छा। मैंने रील देखी हुई थी बात की थी अपन ने अच्छा। तो वही वो रील मैंने देखी हुई थी ना तो ही मैं बड़ा फैसिनेट हो गया था कि भाई एनीमे का इवेंट है एक बार तो भाई जाके देखते ही है कि यहाँ कैसे होता है तो एक बार वहां पे भी जाके देख लेंगे हाँ। अगर सब कुछ सही रहा हाँ। तो तुमको एज अ गेस्ट बुलाया था तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था मतलब अटेंशन वगैरह मिला पूरा लोग नहीं लोग थे नहीं रहेंगे चारों तरफ से पीछे पीछे किया मैंने हाँ। लोगों से मिला फोटोज ली हां लोग लोगों की वजह फैंस की वजह से मैं ऑक्यूपाइड रहा तो ज्यादा सोचने को मौका हाँ। नहीं मिला ज्यादा सोचा नहीं तो फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं लेकिन गर्मी बहुत थी गर्मी ओके अभी अभी ये है दिमाग में कि अब कहीं जाऊंगा तो पहले पूछूंगा वेन्यू कहाँ पे <laughs> <laughs> कि भाई वो वो पूरा क्या टेम्परेचर कंट्रोल्ड है कि नहीं वहाँ पे हाँ आ, क्योंकि आप जाते हो तो प्रेजेंटेबल होके लेकिन फिर जब पसीना होने लगता है तो सारी प्रेजेंटेबल सब निकल जाता है आप ओके okay. तो मतलब आ, आ,

तो बहुत बहुत होता है ना कि हाँ एक ऐसा ही जैसे कॉमिक कौन है अपन घूम रहे हैं अपने लिए ही गए थे लेकिन अपन शांति से घूम रहे हैं ऐसी बात नहीं लेकिन इसमें क्या हुआ था हर तीसरा चौथा बंदा तुमको जान रहा है काफी टाइम से तुम्हें देख रहा है पूछ रहा है वो अच्छा लगा कि फील हुआ कि हाँ अपने ही लोगों के छोटा सा गेट टूगेदर सही है okay. नाइस. कोई मांगा नहीं मांगा नहीं कर एक टी-शर्ट कर okay. नानामी की ठीक oh. है बंदा था और बंदा मुंबई से था का, काफी अच्छा लगा जेन्युइन तरीके से बात किया एनीमैक नाम से ता मूड नहीं ले रहा था पैसे मैंने दिए पैसे उसके फिर भी ठीक है क्योंकि कोई बंदा मुझे रिकॉर्ड कर रहा था कैमरे पूरे नहीं दिखना था मुझे ओके <laughs> 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 oh, <okay. laughs> तो पिल्ले ने हम कूल तरीके से नोट निकाल के दिया होगा फकट

आ, एनिमे का थोड़ा वेट समझ में आ सके कि देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सुपर हीरो अपना जॉनर पिकअप नहीं किया तो <coughs> एनिमे जरूर लोग ट्रांजेक्शन कर जाएंगे लोग कर ही रहे हैं ओके okay. ओके okay. तो मैं जानना चाह रहा था मे बी मैं और इंस्पायर हो सकूं एनिमे देखने के लिए <coughs> और फॉर श्योर sure, वो इंस्पिरेशन थोड़ी बहुत तो हुई है <coughs> और बाकी, <coughs> बाकी की इंस्पिरेशन बाकी की इंस्पिरेशन बाकी की इंस्पिरेशन तो मैंने वो मैं मुझे स्टेज पे ही था मैंने बता दिया कि भाई लड़कियां ज्यादा देखती हैं तो एक इंटरेस्ट वहां से भी आया ठीक अच्छा, है अच्छा तो एक, एक हल्का सा जोक मारते हुए कि हाँ दरवाजा बंद करिए आज रक्षाबंधन तब इसी बात पे सेलिब्रेट करेंगे ओ भाई ओके ओके लेकिन वन पीस वाले फैंस बहुत थे और मैं वहां पे ब्लैंक हो, <laughs> हो रहा था एक बंदे ने मुझे गियर फाइव मतलब व्यूक नहीं मुझे हाँ। मुझे ऐसे गिफ्ट दे दिया पोस्टर गियर फाइव का डर लगाना तुम तो मैं उलट ठीक है भाई देखते हाँ, हाँ, हाँ। इन वन पीस की वन पीस की बातें बहुत हो रही थी हाँ। सही है चैट में तो पनीशा लिखते हैं आधा ठाकुर बांग्लादेशी बादल ठरकी पीजे सही है <laughs> तीनों का नामकरण हो गया इसी बात पे कुछ बंगला में बोल के दिखा दो बादल आमित तुम आके बाद भी ऐसे बोलते हैं <laughs> बोल दिया भाई भाई मैंने यस ये ये, ये, तो, ये दिस दिस लाइक द मोस्ट मतलब भी अच्छा, अच्छा हाँ, नहीं मालूम तुमको आई थिंक मैंने ये डायलॉग बता गुड्डू की सुना हुआ था हमी तुम्हारा के गुड्डू की गन हाँ मतलब एक पिक्चर है बॉलीवुड ही है हिंदी गुड्डू की गन हाँ। नहीं, की <laughs> नहीं, बता उसमें क्या होता है अरे खान की, की बहन का पति नाम याद नहीं आ रहा तो मुझको वैसे हाँ कुणाल खेमू ठीक है तो वो गुड्डू की गान वो तो दूसरी पिक्चर हो गई गुड्डू की गन है यार ठीक ना ठीक ना सुनो वो तो दोस्त भाई तो वो तो वो वो थोड़ी ना वो तो वो है आदत पिक्चर का नाम कुछ आदत नाम है पिक्चर का बारिश में नहीं भी कुछ नहीं याद आ रहा कुनाल बारिश भी भी थोड़ी ना है पिक्चर का बारिश नहीं बोल रहा सुन ना हाँ। उस पिक्चर का गुड्डू की गन का कॉन्सेप्ट ये है कि उसका गुप्तांग सोने का हो जाता है हां और वो परेशान हो जाता है इस बात पे लेकर कि क्यों हो गया हां और लेके ऐसे टन 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 आवाज आती है कि मतलब पूरा सोने का हो गया है उसको लेके मूवी है मैं काफी फैसिनेट हुआ था तो मैं देखना चाह रहा था कॉमेडी है अच्छा खासा अग, अब इस पे मतलब अगर ये बताओ कि तुम तुम्हारा ऐसा हो जाए तुम्हारे साथ तो क्या तुम परेशान हो गए या खुश हो तो तो गए मैं बात कर मैं परेशान नहीं हूं कौन नहीं परेशान होगा भाई तो मैं बेच भी नहीं सकते उसको तो जाके हां

तो फिर उसको पटाने में उसका लगा रहता है ना कि अब ये ये चली गई तो साला ज़िंदगी भर सोने लेके चलना पड़ेगा। वही, वही। like <laughs> ah, okay. uh, और उस उस टाइप की देखी में वो नहीं होता कि वो प्रिंस होता है और वो फ्रॉग बन जाता है और फिर उसको जब ट्रू लव मिलेगा तो ही वो मेढक से इंसान बनेगा uh.

मैं समझता हूँ कि कुछ सारे जोक्स जो हैं वो ट्रांजिशन में खत्म हो गए होंगे बट फिर भी हिंदी मैंने भी भी नहीं नहीं में देखा समा पता नहीं English के शो बहुत कम लगे हमारे यहाँ पे <laughs> इंग्लिश में देखा लगा था इधर दिल्ली में चलो अच्छी बात है कि तो अपने पास सारे सारे वो वो फिर मतलब जोक्स काटे हुए थे उन्होंने मतलब हाँ मतलब वो काट ही दिया था बीप नहीं किया हुआ था हाँ, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाता है क्या बोलते हैं फन है। जैसे कुछ ये देख के फील होता है। जैसे, घर में जब कोई कोई नई दुल्हन आती है तो फन सी साफ बीट माहौल बना रहता है भाभी जी आग... <laughs> हाँ भाभी जी भाभी जी, जी वाला माहौल है फिर आप हर गलती को माफ कर देख बाद धीरे 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 फिर पता चलता है ओ भाई साहब सीरियस प्रॉब्लम है इसमें तो कि मैं नहीं जा रहा हूँ चक्की पे क्यों ले जाने <laughs> अच्छा आ, आ, मैं इसके हिंदी डब की बात कर रहा था ना जैसे ट्रेलर ट्र, टीजर में दिखाया था अपने को वो डायलॉग था कि बैटमैन तो से वो बोलता आ, है ना उसका चाचा रहता है वो तो मैं वेट तो कर तो रहा था कि उसको क्या करेंगे तो नहीं मजा नहीं आया बैटमैन कुछ ऐसे कुछ कर दिया उसको तो मतलब ऐसे बहुत सिंपल बना दिया उसको। मैं बोला ठीक है था मजेदार में नहीं भाई, बहुत सा था वो पर मतलब मेरे को भी मूवी अच्छी लगी अगर आप देखते हो तो कुछ एस्पेक्ट उसके अच्छे थे फीलिंग आती है ना जैसे ओरिजिन सुपर हीरो जैसे 2023 में अगर आप देखने जाते हो तो ओरिजिन सुपर हीरो बड़ा डिफिकल्ट हो गया आज के टाइम में बनाना अगर आप ऑन अ बेसिक लेवल बात करते हो तो बहुत डिफिकल्ट है अगर तुमको दे देंगे पकड़ा देंगे फॉर एग्जाम्पल कि चलो ठीक है ये सुपर हीरो है तुमको इसके ओरिजिन मूवी बनानी है तो आप बहुत गंदे फंस जाओगे क्योंकि आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है बनाना जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लैक एडम ने कोशिश करी थी करने की वो तो फिर भी एक एंटी हीरो सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर है तो ओरिजिन बहुत मुश्किल है करना

Hmm. <coughs> उसी के जैसे पावर्स वाला तो स्ट्रॉन्ग नहीं था उसी, ये उसी, के जैसे पावर्स वाला सामने आ जाएगा सेम सेम हाँ। मैं हाँ. जब वो आया ना उन्होंने वो जो प्रेजेंटेशन दिखाई ओमैक वाली मैं, मैं भाई यार कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हो इसको हाँ hmm. hmm. मतलब कहा से वो निक, क्या, क्या समझ ही नहीं आ रहा था आप बोल रहे हो मैं मान लू ऐ, ऐसे ही बात उन्होंने रेड बीटल का एक अलग वर्जन दिखाने की कोशिश करी अब रेड बीटल वो एक्चुअली दिखा नहीं सकते थे क्योंकि मेरे ख्याल से वो आगे के लिए रिजर्व करना चाहते होंगे डीसीयू के लिए रेड बीटल को सेव करके रख रहे हैं पर उन्होंने उन्होंने रेड बीटल का अपना वर्जन बना लिया इस मूवी का लेकिन है इसके रेटिंग्स काफी अच्छी मिल रही है ऐसे। पता है मेरे को मूवी अच्छी लगी काफी एक्चुअली अगर आ, देखा जाए तो कंसिडरिंग क्योंकि जैसे मूवी एक तो मूवी की सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी लगी मुझे जैसे मूवी के कुछ उन्होंने क्या बहुत स्मार्टली ना पर्पल कलर का, का काफी अच्छा यूज किया बहुत बहुत जगहों पे आ, फिर उसके बाद जो मूवी के कुछ शॉर्ट्स है जैसे उसमें देखोगे तो वो जो एक तो वो आ, सिंथ वेव म्यूजिक का यूज हुआ है बहुत जगहों पे फिर वो जैसे कई सारे शॉर्ट्स है जहाँ पे वो ऐसे हेलीकॉप्टर से लोअर करते हैं और वो लाइट्स का यूज किया गया है तो वो डायरेक्शन बहुत अच्छा है डायरेक्टर का ये समझ में आता है कि पोटेंशियल कैरी करता है वो हाँ। और इट्स जस्ट कि मतलब वो आपके पास आ, कि आपके पास सब्सटेंस जो होता है ना हाँ। कि सब्सटेंस बहुत बेसिक लेवल पे आपके पास सब्सटेंस है तो वो आप उसको कितना ही ज्यादा फैला लोगे तो वो वही प्रॉब्लम थी बस ये कि एक एंटागनिस्ट वीक था उसको तो भी थोड़ा बहुत डिफरेंट तो... करने के लिए एंड में थोड़ा दे दिया कि हाँ भाई ये लिप ये ये ऐसा। मुझे ऐसा ये फील हुआ ना कि मूवी ब्लू बीटल वन ही के लिए ठीक है अगर टू करोगे तो शजान टू की तरह ये भी फंस जाएगा क्योंकि है नहीं इसके आ, पास बहुत कुछ वही वही और अगर जेम्स गन इसे चाहे आगे दिखाना तो ऐसे आ, आ, आगे पीछे कहीं दिखा सकते हैं मगर इसे ये आगे अपनी कहानी ना ही मिले तो इसे अच्छा है जेम्स गन उसे खुद पर्सनली सुपरवाइज ना करें

नहीं देखा तो हुआ था ये ब्लू बीटर मुझे मजा भी आता है लेकिन hmm. जो, think, वो वन जैसा ही मजा है कि नया नया होने की वजह से अच्छा लग रहा है और ये फिर आगे अगर इसका टू के साथ अगर सेम राइटर डायरेक्टर आते हैं तो भाई वो गलती कर जाएंगे okay. दे, ना... देखने के बाद क्या फीलिंग है अच्छी है पिक्चर नहीं, नहीं ब्लू बीटल जो है ना ब्लू बीटल एक्चुअली ब्लू बीटल के जो की हिस्ट्री है ना वो डीसीयू के डीसी के लोअर में बहुत ज्यादा डीपली इंटीग्रेटेड है बहुत ज्यादा तुम मैं उसको जाके देख देखोगे ना नाइस वाली कहानी में पढ़ रहा था तो बता रहा था कि ऐसा जस्टिस डॉट्स कनेक्ट शुरू करना ही शुरू करती है तब से जब ब्लू बीटल की मौत होती है

हाँ। तो वहां पे मैं थोड़ा सा थकने लगा था कि हाँ यार अब तो कर ही लोग बेसिकली क्या है ना कि जैसे अगर मतलब मेरा कहने का ये पॉइंट है कि अगर इस ब्लू बीटल को अगर आपको आ, बेटर करना है बेटर इन द सेंस अगर आपको अच्छा वो करना है एक हाँ। सुपर हीरो के फॉर्म में स्टैंड आउट करवाना है हाँ। तो फिर आपको ग्रेटर डीसीयू में खड़ा करने के लिए आपको इसकी फैमिली से अलग करके हाँ। और फिर वो जैसे वो टीन टाइट और यंग जस्टिस और इनका पार्ट बना के और आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हाँ, अब ये मैं इसे मैं अच्छी हाँ। ये ये ऐसा मैं। है ना कि हाँ मेरे लिए ऐसी बुरा नहीं है आप देख लो लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा इसकी परवाह करूं ये है मेरे लिए ब्लू बीटल जो okay. कि मैं चाहूंगा कि ऐसा कुछ जेम्स है अगर उनके दिमाग में okay. आपन... तो तो हाँ। होल्ड डालते हैं वापस आएंगे वहाँ पे। पहली बात तो ये कौन चैट में मोहित की आवाज प्रॉब्लम में प्रॉब्लम में कर रहा है एक बार एक तुम कुछ बोलो हेलो 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 आवाज में प्रॉब्लम कुछ नहीं है सब यहाँ पे आ रहा है ये लोग ओके okay. काफ़ी आराम कौर और आराम कर से आया देव गेमिंग का एक चैट आया नॉर्मल ठीक है एकदम से मैंने देखा नज़र पड़ गई मैंने बोला एक सेकेंड ये एड्रेस करना पड़ेगा तो उनका एक सवाल है ठीक है जेम्स गन की बीवी ओके okay. मुझसे ट्वेंटी वन बड़ी है hmm. देव गेमिंग से ट्वेंटी वन बड़ी जेम्स गन की बीवी और उनसे 21 बड़े जेम्स गन ठीक है <laughs> अब उसने 21 साल बड़े आदमी से शादी कर ली तो 21 साल छोटे से कर लेगी ऐसा उनका पूछना है तो ब्रो तू सपने ही देख यार उस पर कोई टैक्स नहीं लगता तो पहले बालिक हो जा ठीक है फिर उसके बाद देखना बाकी चीज है हुँ। 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 मैं मैं होता ना गवर्नमेंट में पहले मैं ऐसे ऐसे ख्वाबों पे टैक्स लगाता था ठीक है जेम्स गन की बीवी के कॉप सोच रहे हैं डेव की गन बड़ी करो पहले तो पहले देख ले गुड्डू की गन ठीक है <laughs> भाई उनके हस्बैंड डीसी के प्रेसिडेंट सीईओ जो भी है ठीक है अच्छा डीसी का न्यूज सुनने के बाद उसने शादी की ना हाँ वो आर यू पहले तो शायद पहले शायद थी ना एंगेजमेंट क्यों जा रहे भाई छो, छोड़ो देव गेमिंग क्यों जा रहे, जा रहे हैं यार देव गेमिंग ना आप हमें भटका देते हो ना ऐसी ऐसी बातें मत ब्लू बाते बीटल के अंदर कुछ चीजें स्टैंड आउट हुई ऑब्वियस uh, उसकी दादी आ, <laughs> मुझे जानना है भाई दादी की हिस्ट्री क्या है आई वांट टू नो वो वो इमोशनल टोन्स बड़ा अच्छे मस्त हैंडल करती है वो उसकी दादी तो अच्छा लगी थी मतलब हाय अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में आपको पता नहीं होता फिर जब वो बताते हैं ना कि क्या किया उन्होंने पीजे तो कुछ ज्यादा ही रिलेट कर गया हो अच्छा यार बाद में पता चला मेरी दादी ने एक बैड बॉय से शादी की ठीक है फिर फिर पता चला कि मेरे पूरे खानदान में बैड बॉय अच्छा <laughs> नहीं है <laughs> पीजे तो। पीजे किसी मल्टीवर्स में तुम्हारी फैमिली गैंग्स है वैसे पूरे का मतलब समझ रहे हो मेन ऐसा एक तो उन, एक तो सुनो एक तो उनका नाम गायत्री ठीक है अच्छा mm. मैं लॉजिक लगाता हूँ हाँ। दैट मींस किसी ने लॉजिक से मेरे दादा स्पाइडरमैन ठीक है स्पाइडर वर्स वाले <laughs> गायत्री याद है समझ गया समझ गया पवित्र पैदा हुआ 2000 में दैट मींस मैं स्पाइडरमैन 2000 बस मस्त यहां पे भी नेपोटिज्म चल रहा है पीछे तुम्हारा दादा जी स्पाइडरमैन मतलब तुम भी स्पाइडरमैन क्या देखते हो कैसे डॉट्स कनेक्ट करता हूं गायत्री दादा फिर मैं अभी देखना मुत्ते मुत्ते जाले ना छूटने लगे भाई <laughs> ये दादा बताना वो मिगुएल के साथ क्या <laughs> किया आपने मिग अच्छा मिगुएल ओके okay. मिगुएल आ ब्लू बीटल पे और कुछ कहना है देवियों सजनो आप लोगों को ब्लू बीटल अरे भाई मेरे दिल में है जो जो कॉन्फ्लिक्टिंग जो, बोलूंगा लेकिन जब hmm. उसे खींच के के hmm. को जो दादी अच्छा, वो, अच्छा, अच्छा सीन था वो बहुत मुझे फील होता थोड़ा और कर सकते थे लेकिन है अच्छा किया है और जब वो दादी उसकी बोलती है ना कि अभी हम नहीं रोएंगे फिर जब आखिर बोलती अब हम रोएंगे ओ भाई अब लगा मुझे एक्चुअली ना मतलब मूवी अपनी बहुत मैंने ये चीज भी नोटिस करी मूवी अपनी किसी भी चीज को है ना ऐसे अधूरा छोड़ने का काम नहीं करती जैसे आप फील करते हो ना कि यार बहुत सारी पिक्चरों में आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज जैसे अधूरी छोड़ दी ये चीज तो वो मूवी ना अपनी हर चीज को कम्पलीट करने का काम कर देती है आप मतलब आखिरी में मतलब आपको किसी भी चीज को लेकर ऐसा फील नहीं होता कि यार इस चीज को लेकर क्लोजर नहीं दिया या उस चीज को लेकर नहीं दिया हर चीज को लेके वो कंप्लीट फीलिंग आपको देख जा छोड़ देती है पिक्चर फिर मतलब वो ये, ये सब सारी चीजें मुझे तभी अच्छी लग रही होती हैं मगर उसी उसी के साथ अह फिर जब वो शील्ड होल्ड वाला आ जाता है वो मारने उड़ने वाला जो टेड कॉर्ड का टेक्नोलॉजी में क्या है अब मैं कैसे जस्टिफाई करूं मैं मान नहीं पा रहा हूं यार इसको मतलब उसका क्या जैसे जैसे वो शील्ड होल्ड दिखा देते हैं ना मतलब इतनी कन्वीनिएंटली कि हां मेरे पापा के पास ऐसे ऐसे कुछ होगा मैं बोलूँगी थोड़ा तो कुछ ऑब्स्टेकल कर रखो ना कहानी के बीच में आप ऐसे ही आराम से कर ले रहे हो ओके मतलब वो जैसे वो तो मिलिट्री उस... की बंदूकें और एक साला एक साला शील्ड लेकर आए हो भाई तब तो कर ही ले जाओगे तुम हाँ मतलब देखो ये मैं मानता हूँ कि कई चीजों में कन्वीनियंस था पर उसके पीछे का लॉजिक है ना उन्होंने ये बताया कि टेड गॉड जो था वो हाँ। वो मतलब उसका बाप भी सुपर हीरो ही था ना ब्लू बीटल ही था ना वो तो ये लॉजिक था उसके पीछे का पर हाँ ये मैं मानता हूँ कि कई चीजों में मतलब कन्वीनियंस था वही ना ब्लू बीटल का मैं समझ पाता हूँ स्कैरब से हिसाब किताब आ, आता है ठीक ना अब उसके पप्पा का क्या हिसाब किताब है बिलियनर इसीलिए सोचो जब बैटमैन टीम बना रहा था उसने टेडकॉर्ड को हायर नहीं किया वो जानता चूतिया है चूतिया आदमी है ठीक है अच्छा ओके ओके

हाँ मतलब तो बोल बुरा नहीं है, हाँ, नहीं है लेकिन यहाँ आ... के के तो, तो, एपिसोड दर एपिसोड आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि हाँ वो नजर आएगी आपको इस तरीके से जिससे आप अपीलिंग फील करोगे लेकिन नहीं होता वो एक जो सनड्रेस पहन के आती है तो वहां तो मेरा दिल गया ही था लेकिन उसके बाद फिर बाद क्या ही किया इन लोगों ने जो कि यही आई थिंक यही एक कमी थी बर्ड्स ऑफ प्रे मूवी के साथ डायरेक्टर hmm. ने सेक्सीनेस टोन डाउन की हुई थी ओके okay, ठीक है कॉमिक बुक्स में शील फोर्थ वॉल ब्रेक करती है और आ, लेकिन इसमें इन्होंने बस वही चीज रखी और बाकी सारी चीजों को एक तरफ करके कॉमेडी फंसा दी और

और ये मेरे को क्यूँ याद आया क्योंकि पिक्चर खत्म हुई ठीक है मिड क्रेडिट सीन तो एक दो तीन मिनट के बाद ही आ जाता है वो भी देखने नहीं दे रहे थे जाओ जाओ बोल रहे थे उठो हो गया खत्म फिर उतने में वो प्ले हो गया तो उतना चलने दिया और फिर मैंने तब तक तो गूगल पे सर्च किया कि है कि नहीं तो पता चला कि एंड में भी है ठीक है बट मिड क्रेडिट खत्म हुआ थोड़े नाम आए बंद कर दिया बंद कर दिया पिक्चर हाँ मेरे इधर मेरे शहर के थिएटर वाले ये करते हैं मतलब पहला शो चलाएंगे और वो दे... मतलब हॉलीवुड तो लगती नहीं है, कभी केस होता है दूसरा तीसरा शो देखने जाओगे ना उसको पता है देगा भाई अबे पता है ये चीज ना पहले भोपाल में नहीं होती थी मतलब मैं देखता जा रहा हूँ कि मतलब क्या हो रहा है जैसे भोपाल में सुबह नौ बजे कोई भी मूवी लग रही है तो इंग्लिश का शो को प्रायोरिटी दी जाती थी हम्म, हाँ, ओके। खतम, अब हिंदी।, आई। हिंदी का शो लग रहा है सुबह और वो भी मतलब जैसे ब्लू बीटल का साढ़े ग्यारह बजे का शो दिखा रहा है मैं पर मैं मैं हमेशा जनरली टिकट बुक कर लेता हूं। लेकिन मैंने इस बार नहीं करी मैं वेट करता रहा कि मैंने कहा यार कोई शो तो लगेगा कोई तो लगेगा कोई तो लगेगा फिर ना लगा जाके आठ बजे का शो और मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैंने कहा इस थिएटर में कोई चांस ही नहीं है कि कोई और बुक करेगा तो मैं जाके मैंने पहले चार टिकट बुक करे भाई पहले खुद से बुक मैं शो पे और मैंने कहा कि अगर मैं वहां जाके और अच्छा ये पे नया सिस्टम चालू कर दिया है हाँ। कि नहीं आप खुद से चार टिकट नहीं खरीद सकते पांच टिकट नहीं खरीद सकते ये अलाउड ही नहीं है हाँ ये क्या हाँ अगर मतलब जैसे मैंने बोला ना कि भाई मैं अकेला मैं ले लेता हूँ तो नहीं 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 सर ये अलाउड नहीं है ये नहीं कर सकते आप

आ... भाई भाई मैं मैं देख रहा 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 कि मतलब क्या होता जा है 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 जैसे हिंदी का 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 शो 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 पहले लगा रहे हैं इंग्लिश का शो भाई लग है, दोपहर में दो बजे बाप रे और तीन ही टोटल तो ये, आ, नहीं। मैं... ये ना, मतलब... को फिर भी एक रीज़न क्योंकि गदर और ये वगैरह इतनी ज्यादा चल रही है फिर भी ऐसा किया

मेरे शहर में भी होता है लोग पूरा पोस्ट क्रेडिट तक जाते नहीं है और चलाओ ना अब तो भाई बॉलीवुड मूवीज में भी हो गया है अब बताओ पठान मूवी देख कर आया वो तो एंड तक तो जाएगा ही नहीं वो देखने के लिए वो तो पठान में में भी, भी पोस्ट क्रेडिट था, था। हाँ। फिर बाद तो तो में आके था ना वो ट्रेन पे बैठ के कहते हैं कि कर रहे हम कर ले तुम कर ले वाला तुम क्यों बताओगे कि हमको क्या देखना है क्या नहीं देखना है मैं देखूंगा ना हाँ हाँ। तो देखो तो पीजे तुम्हारी जो भी समस्या है यहीं पे बता दो आ, कोई चैट में योगी जी के पहचान का तो वहाँ तक तो बात पहुँचा देगा बिल्कुल, यार ये अलाउड नहीं है लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं भाई बाकी एक, एक पॉलिटिकल जो का था लेकिन नहीं बोलूंगा चलो आगे छोड़ो जा रहे थे उसके साथ ए, एक बता मैं दिल्ली में था तो टॉक टू मी

उसके तीन शो थे और मैं तो एक दिन और के पर... देख लिए होते फिर ये पॉडकास्ट नहीं हो रही होती पिक्चर ही देखते होते तो हो 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 वो पिक्चर वो क्या होता उस पिक्चर के चलते मैं ना लोगों से मिल पाता है ना पॉडकास्ट नहीं क्या नहीं क्या नहीं देखो फ्राइडे को तुम बिजी थे सैटरडे को तुम इवेंट में बिजी थे संडे को देख लिए होते नहीं इवेंट क्या संडे को देख लिए होते पिक्चर संडे फिर आना नहीं होता ना तो मंडे को आ जाते मंडे मैं मैं नहीं अब बुक कर लिया था फिर क्या फिर क्या क्या घूम भाई अपना मूड बना के देखता हूँ टॉक टू मी जिस दिन आएगी डिजिटल मूड बनाओगे पहले हाँ बनाओ आ, रात के ग्यारह बजे लाइट बत्ती सब बंद करके आराम से फर्स्ट क्लास लगा के देखूंगा मैं

कि ऐसी वीडियो ऐसा लेकिन उससे बचने का ये तरीका है अगर तुमने देखी है ना तो उस क्लिप की कॉपी बना के तुमको दूसरे को दिखानी होगी तब तुम बच सकते हो साथ आ, आ, हाँ। मतलब बकरे ढूंढ के लाने होकर लिए पता है YouTube पे अपलोड किया जिंदगी मिलनी चाहिए जब एक से ज्यादा लोग देख रहे हैं तो

ओके okay. आ, ऐसी बात नहीं सब नहीं ना बच पाते हैं कुछ तो मिस कर जाते हैं कुछ को भरोसा नहीं होता है इतने भुलक्कड़ लोग कैसे हो जाते हैं पीजे अब पता नहीं होता ना सर के कोई बोलता अभी मर जाएगा कि चल वे चूती है ठीक है मस्त है मोहित रिंग्स देखी है ना तुमने हाँ मोहित हाँ बोलो आ? हाँ हाँ बोलो हाँ हाँ बोलो हाँ आवाज नहीं आवाज आ, आ रही नहीं आवाज नहीं आ रही हाँ बोलो पहले हाँ किस चीज पे पीजे ने कुछ पूछा है हाँ बोलो तो ऐसा कैसे पहले सवाल बताओ रिंग्स देखिए रिंग्स ना रिंग्स हम्म उसी का बता रहा था ऐसे कॉन्टेक्स्ट आ ये नेटफ्लिक्स की कौन सी सीरीज आई थी यार अभी गन्स एंड गुलाब गन्स एंड गुलाब देखी तुम दोनों मोहित का जो ट्वीट देखा मैंने बादल देखा मैंने, मैंने देखा। टोटल सात एपिसोड हैं उसमें से मैंने पांच देख लिए कैसा okay. है देख, देखने देखने लायक है

Hmm. हाँ, दादी लगाया क्या ना दादी <laughs> को कहानी सुनानी है <laughs> वही दादी को मतलब अपना टाइम याद आ जाएगा देख के ऐसा मतलब भी पुराना ना हो पुराने टाइम का ऐसा ता। आर्ट स्टाइल दिया है उसको क्या बोल रहा हूँ अरे दादी ने मुझे बताया हुआ था हाँ. वो मतलब मेरे दादा एक्चुअली वो ट्रक ड्राइवर थे ठीक है है तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, नहीं। वो अच्छा। सब हाँ। हाँ। तो सबको बच्चों के साथ पिक्चर दिखाने लेके जाती थी थिएटर काफी मतलब था लेकिन जब एक टाइम के बाद जब बहुत महंगा हो गया टिकट फिर गई ही नहीं दिखाने के लिए तो मैं बोला यार लगता है वो है फिल्म वाला अपने खानदान में का खा, अंदर है वो खानदान में कोई तो बनना ही था किसी को पीजेएक्स एक्सप्रेस हाँ किसी ना किसी को तो, तो बनना ही था भाई दादाजी के टाइम पे बन अगर यूट्यूब होता तो दादाजी ही बन गए रहते दादाजी बन गए होते भाई हेलो एवरीवन <laughs> सोचो वो ट्रक के अंदर बैठ के गदर का रिव्यू करते no. अरे भाई सुना ही होगा उन्होंने बट अपन बात करते थे क्या मूवी रिव्यूज़

आ, मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ वो हाँ। उसका बाप बोलता है कि क्या वो वो लक्ष्मी नगर की झोपड़पट्टी में रहने वाला लड़का मैं लक्ष्मी नगर से निकल गया मैं क्या बिल्डिंग तो है भाई बड़ा <laughs> मस्त था भाई यार फिर बुरे मार ली थी उसने लक्ष्मी नगर नाम लेकर <laughs> पिक्चर में हाँ। मेरे को यार नहीं अभी मैंने मोहित ने व्हाट्सएप पे डाला रेबुल मून का ट्रेलर मैं बोला कब आ गया भाई बाईस को आ रहा है ओके बाईस को परसों बाईस की रात में आएगा तेईस मतलब तेईस की सुबह सुबह पीजे हाथ हटाओ प्लीज जोया जी कहती है नहीं यार लाइट चली गई ना तो एसी बंद हो गया होगा तो पसीना आएगा ना उसको तो स्टाइल खराब होता है यार ब्रो खराब मत करो तुम पसीने भी 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 से बाल ओ गुलाबी होट ऐसे खराब हो जाएंगे ना ओके सॉरी सॉरी माय बैड यार mate. वो मैंने देखा था जैक स्नाइडर का उसने वो अपने जब एडिटिंग रूम का डाला था आई थिंक तो फोटो फोटो मस्त है यार मतलब सेटअप देख रहे हो बंदे का ऐसा भाई यार डायरेक्टर है वो भाई वो डायरेक्टर है कितने मिलियंस की मूवी बनाता है वो अपने यूनिवर्स खड़ा करता है कितने यूनिवर्स खड़े कर चुका है अभी तक एंचो तो पर्दे पे बैठ के फिल्म एडिटिंग भाई साहब

दो रेटेड कभी बनाने ही ना दे अबे डिज्नी वालों को पुराने रीमेक्स बनाने बोल दो बस डिज्नी वाले पुराने रीमेक भी कैसे बना रहे हैं अभी स्नो व्हाइट का नहीं देगा तुमने होगा <laughs> नो व्हाइट का भाई नो व्हाइट बहुत लफड़े में चल रही है भाई उसके बाद है एक्टर वो एक्ट्रेस जो है ना क्या नाम है उसका Shazam में थी वो Shazam 2 में हां 5000 साल वाली <laughs> तो उसने बताया इट्स नॉट 1937 ठीक है वो प्योर लव की तरफ नहीं भागेगी आ, और जो किंग है ठीक है जो प्रिंस है प्रिंस है हां तो स्टॉक कर रहा है आ, मैं कहता हूं पह, पहले एनिमेटेड में ही प्रिंस की इज्जत तो झाड़ बराबर है ठीक है भाई तो प्रिंस का तुम तो लोग नाम बता दो मुझे चैट आ, में ठीक है एनिमेटेड ही डिज्नी मूवीज का भाई अब उस उस में और मतलब उसमें भी तुम पहली पिक्चर में भी बोल रहे हो कि इसमें भी हम उसकी कोई इज्जत नहीं करने वाले हो सकता है जो रोल उसने शूट किया हाँ। वो वो भी वो भी काट के रख देंगे तो है भाँगा। भाँगा। बेचारा आदमी को वो, वो भी परेशान है कुछ भूले भटके मिल जाए इधर उधर से ठीक है पैसा रख के भी भाव नहीं मिल रहा है उसे तो और गैल साइड में बैठी हुई है गैलगे डॉट भी उसको कह रही है सही बोल रही है देवल देवल। लगता है अगली पिक्चर में में मिलियन फीस कम करनी पड़ेगी मतलब मतलब समझ नहीं 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 इस, भाई भाई पता ही क्या बनेगा हम्बल तरीके से हम हाँ, इसे इस तरीके का इसप ट रहे, ले रहे हैं, हम जानते हैं कि दिक्कत होगी लेकिन ट्रस्ट मी हमने कुछ बहुत ही अच्छा किया है लेकिन नहीं हम गांड मार देंगे सिस्टम एक डायलॉग वो भी डाल देती सिस्टम <laughs> <इन्ण> पाड़ देंगे सिस्टम <laughs> <System> पाड़ देंगे <laughs> भाई पर मतलब बहु, बहुत खतरनाक डायरेक्शन में जा रहे हैं बहुत ही खतरनाक डायरेक्शन में अरे यार देखो पता है डिज्नी की अभी वो हालत है ना जब शुरू शुरू में डीसी के बर्बाद होने की हालत थी ठीक जब जैक स्नाइडर छोड़ दिया था उसको क्योंकि अभी क्या पिक्चर चली उसकी डीसी बर्बाद तो अभी भी है तो वो अभी है ना अभी अगले साल से देखा जाएगा कहाँ पे जा रहा है लेकिन exactly, नहीं exactly, नहीं exactly, exactly my point. अभी अभी ये देख लेना उसकी कौन सी इंडियाना जोन साइड 300 मिलियन मैं तो हैरान भाई यार पैसा बर्बाद

<laughs> ये तो भाई तो फिर फिर आप आप मतलब अगर आप उस उस चीज को रीमेक कर रहे हो, तो और पूरा टेक ले रहे हो हो तो फिर भाई भाई भाई। भाई ही ना। ना। हाँ। तो और पूरा ले का नाम रखो ही मत ना उन्होंने अभी हाल ही में डिज्नी की एक और एनिमेटेड मूवी आई थी वो भी चली गई पता नहीं चला पिनोकियो का रीमेक किया हुआ ठीक है तो भाई एक तो साल तो में तीन गिल्दो तीन आए थे भाई ने बोला कि मैं बना के देता हूं, आ, उसके अरे वो, वो सुनो वही बोल रहा हूँ ना एक साल में तीन तीन वर्जन आए थे पिनोकियो के तो आ, अपने भाई साहब उन्होंने खुद पिक्चर डेल्टोरोट हो जाए भाई

और वो उल्टी होती है, उल्टी होती है। <laughs> फिर, वो। ठीक की की लगी ऐसे बात नहीं बहुत बढ़िया नहीं था ठीक है बनाने की कोशिश कर रहे थे भी लेकिन हो नहीं पाया मैंने लूका देखी मजा आई थी इनोसेंट सर लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा कुछ खास नहीं इनकान तो मुझे बहुत पसंद आई थी

जा, जितना में, मैंने समझा है तो मेरे को समझ कि ये लोग जो रीमेक्स कर रहे वहां पे लेते हैं कि वो तो रीमेक तो, का कुछ और ही हो जाता है कहाँ है अगर आपको नया ही करना है तो अपने हिसाब से कुछ नया करो ना फिर उसको रीमेक मत बनाओ ना रीमेक का नाम ही मत दो भाई नया नए आईपी पे पैसा ला के क्यों लेंगे

आ, वो जो मिली बॉबी ब्राउन वाली है वो डैमसल है नेटफ्लिक्स पे आएगी प्रिंसेस इलोडी एलोडी जो भी नाम है उसका e मतलब <laughs> जो भी ठीक है उसमें एक्चुअली में श्रेक वाला कहानी कॉन्सेप्ट क्या था मीनार में कैद राजकुमारी जो ड्रैगन से परेशान है उसको बचाने के लिए प्रिंस चार्मिंग आता है ठीक okay. है और वो श्रेक ये... होता है

लेकिन मुझे हेल्प चाहिए नहीं भाई और मैं मेरी, मैं मेरी अपनी खुद की वो अपनी बचाने के लिए जो आ रहा है वो स्टॉकर है, है बचाने नहीं आता चूतियों के अपनी फीलिंग्स दिखाने के लिए ठीक है वो देख ही रहा है, नहीं है तुम, तुम अपने को ज्यादा रिलेट मत करो ठीक है नवा भाई क्या बोलते हैं ठीक है नॉर्मल चैट में कि फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे का पार्ट टू लाओ देखी नहीं क्या तुमने भाई पार्ट टू पार्ट थ्री आ चुकी है उसकी यो ब्रो मिस्टर नवाल मैं इतना हरामी आदमी जो कहानी पता नहीं है लेकिन मेरे को कहा पता है मेरे को मेरे को पहली पिक्चर की कहानी नहीं, नहीं पता है क्या चल रहा होता है <laughs> इतन, इतना इतना आई नो कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ साइन करने बोलता है और खत्म है ना कॉन्ट्रैक्ट वाला सीन है ना पिक्चर में अरे तो कुलपा ना, मिया नाम से ऐसे ही पता है निप्पा निप्पी वाली कोई पिक्चर आई है ठीक है हाँ। कौन से नाम से कुलपा एक, एक स्पैनिश मूवी है कुलपा मिया नाम से ना कुलपा मिया स्पैनिश नाम है ठीक है उसका कुछ नाम है इंग्लिश में याद नहीं यार उसमें पता वही स्टेप ब्रो स्टेप सिस वाला मैटर है ठीक है मतलब बकायदा हॉट दोनों हीरो हीरोइन बहुत गंदा हॉट

भाई यार निंजा टर्टल्स का है लास्ट इन तो निंजा टर्टल्स सुन के अब, अब बड़ी फनी सी वो एक वाइब आती है फेस्टिव और एकदम हैप्पी गो लकी टाइप चार टर्टल्स हैं और बढ़िया

खतरनाक स्टोरी है उसकी कि बाकी सब लोग मर चुके हैं एक टर्टल सरवाइव करता है सिर्फ वो जो जब पिज्जा के लिए खाता है ना पिज़्ज़ा वो माइक हाँ। वो, आ, आ, वो हाँ। बताते नहीं है कि कौन है मैंने स्पॉइल लिए वो। तो वो आगे जाके पता चलता है कौन सरवाइव किया है तो वो और वो उन सब बदला लेता है और वो मतलब एकदम लास्ट ऑर्डिन इसीलिए बोला है उसको कि बहुत बहुत डार्क कॉमिक है वो बहुत ज्यादा hmm. और वो एकदम भयंकर डार्क बात पे चला जाता है और मतलब बेसिकली वो अच्छी बहुत अच्छी कॉमिक बुक है बहुत तो स्ट्रांग रिकमेंडेशन है वॉर के बाय स्टैंडर्ड्स पे से बनाने वाले हैं अह टीएचक्यू नॉर्दिक बना रहा है इसको तो जिन्होंने टी एच क्यू नॉर्डिक ने जैसे अगर तुमने डार्क साइडर खेला है तो तुमको पता होगा डार्क, डार्क साइडर थ्री बनाया हुआ है तो टीएच क्यू नॉडिक मतलब अच्छा स्टूडियो है पर मतलब अगर मतलब बनाएंगे तो अच्छा बना सकते हैं वो अगर बनाएंगे तो अगर हाँ। अच्छे लेवल पे बनाया तो नहीं उन्होंने जो मैंने सुना कि गॉड ऑफ वॉर के स्टैंडर्ड से बना रहे तो, तो मैं हैरान हो गया भाई अनरियल इंजन फाइव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाइपर रियलिस्टिक

अभी ही 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 याद आया। मैं मैं ट्रेन में था था तो मैंने फाइनली हिस्टोरिया अच्छा। तीन, तीन इशू थे। हम्म। और मतलब मतलब पे डिस्क्रिप्शन देख रहा आ गया कि पारेड़ीस लौ, पारेड़ीस के में कहानी होने क्या वाली है वरना अच्छा। की पहली वन वाली ऐसी कहानी थी ना उसमें बताया गया था कि कैसे जूस बाकी देवताओं ने उन्हें आइलैंड दिया हाँ ईश्वरों की कृपा मिली वो मर्दों से अभी भी पूरा एकदम नफरत करती हैं अपने बच्चों तक को मार देती हैं वो हिसाब किताब नहीं है कि मतलब इसमें है मेडल ग्राउंड बीच का पकड़ लिया गया आर्ट बहुत खूबसूरत है बहुत खूबसूरत मैंने मैंने पढ़ा फुल स्क्रीन पे मजा आ गई मुझे मैं रेकमेंड भी करूंगा लेकिन इसमें कहानी क्या हुई थी कि जो ओलंपस की देवियां हैं अलग अलग पावर्स के साथ वो देखती हैं कि पुराने टाइम में औरतों पे बड़ा अत्याचार हो रहा है तो वो अपने जाती हैं ज्यूस और बाकी सन गॉड ओड के पास बोलते हैं कि औरतों पे बड़ा लफड़ा हो रहा है आपको मर्दों को मार देना है पहला ही होता है मर्दों को मार दो लेकिन जो पोसाइडन होता है तुम बोलो ना मैं सबको मार देता हूँ आ... तुम बोलो मैं बाढ़ ले आता हूँ सबको बोलती नहीं औरतों को बचा लो मर्दों को मार दो तो भाई वो जो जूस होता है बड़ा खूबसूरत आर्ट के हिसाब से कि नहीं तुम बैलेंस बिगाड़ दोगी क्या है क्या नहीं है तो जब मना कर देते हैं तो हीरा हीरा तो नहीं आती है बाकी मीटिंग में लेकिन वो हाँ ही रहती है बिना बोले हुए बाकी सब मिल के अपना जादू उदू करके एक कबीला बर टाइप बनाते हैं जो जन्म लेती हैं जमीन से ही मतलब मैजिक वजिक करके अपनी बाकी सारी देवियाँ और डायरेक्ट उनका ऐसा है ना कि ए सेक्सुअल बींग्स टाइप की वो पैदा नहीं हुई हैं, वो डायरेक्टली अडल्ट फॉर्म में वो ऐसे जन्म ली हुई हैं और जो लोग औरतों को प्रताड़ित करते हैं बेचते हैं खरीदते हैं उनको मारती हैं और हिपोल्टा की ओरिजिन उसमें दिखाई गई है कि अमेजोन की रानी कैसे बन बनी वो और जो अलग अलग जो अवतार आए हुए थे बचाने के लिए उनका कबीला बन जाता है ओ, क्या बोलते हैं ब्लैक पैंथर मूवी की तरह ओके okay. हाँ तो अलग अलग कबीले के अलग अलग पावर्स होते हैं लेकिन आखिरी में अपना यही पोल्टा वाला कबीला इंसानों का वो अलग बनाती है एंड एंड में आके जब जी उसको पता चलता है कि तुमने मेरी पीठ पीछे ऐसा किया हीरा हीरा को एक थप्पड़ मारता है फिर फिर बाद में वो हीरा प, पॉलिटिक्स खेलती है मैनिपुलेट करके तब उनको जबरदस्ती तेमस्केरा पे जिंदा कर दिया जाता ओके okay. तो ये मतलब हाँ... इस इसके ऊपर हो सकता है वाला शो हाँ, उसी के ऊपर हो सकता है एक लफड़ा बीच में हो जाता है कि पता चलेगा कि पता कैसे चलता है कि एक सब को नफरत करती है कि गिने को। तो मतलब जो अवतार ली होती है कि नहीं नहीं बच्चों को नहीं मारना है लेकिन जो एक इंसान रहती है अमेजोन बोलती है कि नहीं हम मारेंगे तो सबको मारेंगे तो वो बच्चा तो भाग के चले जाता है लेकिन सन गॉड के मंदिर में जाके वो उस बच्चे लोंडे को मार देती है तब पता चलता है कि वो ऐसी बात है तुम तो मर्दों से ऐसी नफरत उफरत करती हो जो कि ये मुझको थोड़ा सा ये खटक गया वहां पे बात क्योंकि पुरानी कॉमिक्स क्या थी ना वो नफरत करती थी मर्दों से जनरल पूरा कोई कोई बड़ा छोटा कुछ हिसाब नहीं मर्द हो तो तुम मरोगे इसमें थोड़ा बीच का रास्ता अपना लिया गया ना कि हाँ नहीं जिन जो बुरे काम करते हैं उन्हें मारेंगे जो नहीं करते उन्हें नहीं मारेंगे तो मैं मुझे फील हुआ कि अगर आप नफरत कर रहे हो तो शिद्दत से नफरत करो ना पूरे दिल के साथ बीच का रास्ता क्या अपना रहे हो मतलब बच्चों को मारते थे दैट इज ओके नहीं मतलब नहीं नफरत कर रहे हो तो सबसे मारना चाहते हो तो शिद्दत से नफरत करो ना तो वही बोल रहा हूं ना मतलब बच्चों को भी फिर नहीं अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं तू क्या बोल रहे हो तुम हां मैं एक्सेप्ट थोड़ी ना करूंगा ऑन कैमरा भाई करना नहीं चाहिए फिर पता चला पांच साल बाद लेकिन मैं पढ़ने की हिस्टोरिया पढ़ लो उसे आई थिंक वो उसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिखा गया है कि शायद रोड मैप क्या हिसाब किताब होने वाला है पैराडाइज लॉस्ट का चैट में किसी ने आई लव यू पीछे लिखा है <laughs> थैंक यू भाई थैंक यू भाई हां खैर इसी के साथ अबे थॉर 5 की न्यूज़ का पता चला तो अरे भेज दो टाइका आ क्या वापस टाइका बट डीटीएफ के साथ भाई साहब

हाँ, वो और मतलब, तुम, तुम समझ रहे हो कि तुम मतलब ओम राउत को एक और मौका दे रहे हो कि एक काम कर भाई तुम महाभारत भी बना ले भाई हाँ, भाई। करोगे तुम सोच रहे हो डिप्रेशन की चुतियो की तरह उन्होंने खत्म किया है भाई ना ब्रो ना

तो नहीं स्पॉइलर नहीं दूंगा मैं जितना तुमने देखा उतने पे ही बात करेंगे हां कि मतलब एक एक एलिमेंट होता है कि मतलब एक आपने नॉर्मल एंटागोनिस्ट खड़ा कर दिया हां और दूसरे तुमने पांच एपिसोड देख लिया ना तो हॉस्पिटल वाला सीन तो हो हाँ, गया हो गया है ना हो गया <laughs> तो, वो, तो मतलब उस मतलब एक दूसरी चीज होती है कि आपने एक सुपर कैरेक्टर क्रिएट किया हुआ है तो मतलब वो वो मेरे को लगा मैंने कहा क्या कैसे okay. भी वो जैसे वहाँ के जो लोग एक अफवाह फैली हुई ना कि मरता नहीं है सात तो जिंदगी का वरदान है तो वो उनके पर्सपेक्टिव से कि कहीं से भी गायब हो क्या आ जा रहा है ऐसा नहीं वो दिखाने की कोशिश आगे का स्पॉइलर तो नहीं दे रहे हो तुम नहीं अरे नहीं पर मैं बता रहा हूँ तुमको ऐसा है

ठीक oh, oh, ये ये है क्या सोचा था कि यू नो इसलिए बच गया थीके? अरे नहीं, नहीं भाई तो मेरे को ये तो बहुत obvious वो है ना अरे नहीं यार मतलब अच्छा अभी अच्छा अब तुमको मैं बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पे ठीक है ये ये सीन ट्रेलर में दिखाया था जहाँ पे वो ऐसे नीचे सो के ऐसा गोली मारता है उसके दोनों टांगों के बीच में

फिर भी भाई है? तुमने आगे के एपिसोड का बता दिया अरे तो भा, भाई ये मारी लेकिन कुछ हुआ नहीं मतलब या तो ये होगा या फिर कोई उसका जेंडर अलग होगा इसलिए उसको गोली वगैरह लगी नहीं वहां पे ऐसा मैं सोच तुम सेक्स क्यों डाल दिए भाई यार अरे तो तुम इसका इसका क्या पॉसिबल ठीक है जेंडर अलग होगा क्या मतलब भाई यार अरे भाई वहां पे तो गोली मारी है। उसको अब लगी नहीं तो तुम क्या रीजन सोच सकते हो तो दर्द नहीं होगा भाई अरे अबे सुनो ऐसा बंदा खड़ा होता है ठीक है ओके उसके यहाँ से गोली निकल गई है यहाँ से ठीक है तो तुम क्या सोचोगे वहां पे कुछ है नहीं इसलिए गोली आर पार हो गई ओके समझ रहे हो तुम अरे तो बार पर भाई वो जहाँ गोली मारी यार इतनी इत, इस इस जगह पे गोली लगी वहां से वहां से गोली आर पार नहीं हो सकती भाई हो सकती है। इतना है। गैप नहीं होता पैंट में अरे मैं मैं तो भाई बादल एक बार टेस्ट कर लेते हैं ठीक <laughs> है इतना गैप नहीं हो सकता पैंट में और वहां पे गोली मारना सेक्सी क्या अरे तो वेंडर नहीं देखता अरे तो वही मैं सोच रहा हूँ ना भाई कि जब गोली आर पार हुई तो या तो उसका साइज छोटा हुआ इसलिए मिस हो गई या तो फिर होगा ही नहीं इसलिए लगी नहीं उसको

समझ रहे हो ना तुम समझ होता है हाँ। तो वहां से वो गोली निकली तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो गया क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग नहीं भाई तो मैं मे, मेरे को तो वो देखते ही देखते ही लग गया था मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता देखो ये वो कंफ्यूजिंग तो है कि उसको लगा नहीं करके ऐसा लेकिन उसका हाँ। कोई भी इमीडिएट कंक्लूजन नहीं निकलेगा कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर इसलिए उसको गोली नहीं लगी मेरे को तो तभी क्लिक कर गया भाई अब वो ऐसे फ्लैश के जैसे दौड़ रहा है वहां पे बीच बीच में यार मेरे को तो तभी क्लिक कर गया था मैंने कहा ये नॉर्मल नहीं है जो फ्लाश, फ्लाश अच्छा जो फ्लैश की को चैट में जानना है ठीक है मेरे को चैट में जानना है जिन्होंने भी वो सीन देखा उस टाइम पे पहला किसी को लगा कि ये सुपरनैचुरल बीइंग है इसके पास सुपर पावर होगी इसलिए बच गया ऐसा पोल डाल दो पोल डाल हां मतलब अब कितने लोगों ने देखा है कि नहीं क्या पता

बादल सेक्सिस्ट है ओके ओके ठीक है सेक्स एजुकेशन और और भाई सेक्स सेक्स एजुकेशन का वो टीज़र ट्रेलर आया था देखा था तो तुम लोगों ने पहले ही हां मैंने शायद थो मैंने देखा बहुत पहले आया था ना टाइम हो चुका है उसको टाइम हो गया था उसका मेरा फेवरेट शोज में से एक है भाई तो एक्चुअली मतलब वो पिछली बार सेक्स एजुकेशन सीजन 3 में क्या हुआ था मतलब कि स्कूल की मान्यता छीन ली गई थी लफड़ेबाजी की तरफ से तो इन लोग का लास्ट ईयर चल रहा था बच्चों को लगा था कि हिसाब किताब तो टाइट है अपना अपन करेंगे खुले आम, आजादी, फ्रीडम ने। तो अब उनका हिसाब किताब बन रहा है ये फाइनल दे रहे हैं किस हिसाब से और ये फाइनल सीजन होने वाला इस बार करने के बाद सब निकल जाएंगे अपने अपने रास्ते हाँ मतलब वो कॉलेज खत्म तो सीरीज खत्म है

मतलब डॉक्यूमेंट्री बट इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री इट इज उसको मतलब मतलब मूवी की तरह मूवी बनाई है है बट उसको डॉक्यूमेंट्री का फील दिया कि बहुत और वो, matlab, बहुत फन वे में बनाया है। मैं, मैं ट्रेन में था तो एक YouTube पे वो कंपाइलेशन देख रहा था यूएस का स्क्रब्स नाम से जो नहीं हॉस्पिटल वाली थी ए सिटकॉम तो नहीं जो नर्सेस पहनी रहती हैं वो स्क्रब्स क्या बोलते हैं पजामाज और नहीं सेम कलर का जो भी रहता है लौंडा था उसमें तो नया नया पास करके आता है डॉक्टर हॉस्पिटल में जाता है कि बैग ऑफ पैसे लेकर के आज मैं आया हूँ ठीक है और उसकी गांड फट जाती थी भीड़ देख के तुरंत पहुंचते ही उसको काम दे दिया जाता है नाइट की शिफ्ट रहती है और उसकी गांड फटी रहती है एक सीनियर डॉक्टर रहता है

अभी मैंने एक शो देखा ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग सेलिना गोमेज का hmm. और आ, उसमें स्टीव मार्टिन भी है तो मतलब ऐसे काफी बढ़िया है काम कर रही है इतना है क्या बोल रहे हो बुड्ढो के साथ इतना काम क्यों कर रही है अरे भाई यार तुम देखो उसको उसको क्या पीजे मिल नहीं शो है भाई अब उसको आ? पीजे नहीं मिल रहा ना तो फिर क्या अबे का, वो काम बुड्ढो के साथ कर रहे हो बुड्ढे भी लेजेंडरी बुड्ढे है भाई वो उनकी एक्टिंग देखोगे ना तुम तुम भी मरोगे उनके साथ काम करने के लिए पर मतलब शो बहुत अच्छा है तीन सीजन मतलब थर्ड अभी रनिंग है उसका मैंने दो सीजन देख के रोक दिया बहुत टॉप क्लास बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मजा आ गया अपने को बात करनी थी गदर नहीं वो बॉर्डर टू पे गदर अरे पे हाँ, बॉर्डर हाँ So, border two announce करती अभी, ये अभी. तो होना ही था भाई अब तो, देखो सनी तो... देवल की, आ, तुझे सलाम ओ, भाई तो उसको मेरे को याद है भाई बचपन में वो पिक्चर मैंने इतनी बार देखी है ना मेरे को याद नहीं है अब देखो देखो आज के टाइम में सोचता हूँ ना तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों ने उस पिक्चर का मजाक उड़ाया होगा उस टाइम पे लेकिन मेरे को बचपन में बहुत जबरदस्त लगती थी वो पिक्चर तो तो मेरे को मेरे को याद आ नहीं है मूवी हाँ, मेरे को थोड़ा याद दिलाओगे क्या भाई वो आर्मी ऑफिसर होता है उसमें अरबाज खान है जो कि मतलब उनकी तरफ होता है फिर इनकी तरफ आ जाता है समझ रहे हो फिर लास्ट में वो अकेला ऐसा झंडा लेके

तो भाई अब तो मतलब बातें बता रहे ठीक है समझ रहे हो तुम एक पिक्चर से भाई जो जो बना है भाई और जो है, गदर, गदर ने तो भाई सारे है, आ, हाँ देखना पड़ेगा कितना बट हो गया भाई बहुत निकल गए बजरंग कर रहे थे मैंने देखा थे बजरंगी भाइयों को पीछे छोड़ दिया

आई डोंट नो 80 करोड़ की थी पिक्चर है आ, तो प्रॉफिट शेयरिंग का रहेगा फिर उनका हां प्रॉफिट शेयरिंग का उसने क्या रिकॉर्ड तोड़ा एक है एक मालूम है अभी शायद सेकंड फ्राइडे या सेकंड सैटरडे पे हाईएस्ट कलेक्शन सिंगल डे हिंदी पिक्चर बाहुबली टू पठान सबसे ज्यादा सेकंड फ्राइडे गदर मैंने बोला था गदर की पावर बहुत तगड़ी है

सिंगल लैंग्वेज ठीक है जैसे हिंदी है तो हिंदी लैंग्वेज में थर्टी प्लस करोड़ ठीक है डेज काउंट करोगे ना तो इसने लगातार छह दिन थर्टी प्लस करोड़ कमाए और वो अब तक का हाईएस्ट है पठान ने पाँच कमाए थे और बाहुबली टू ने भी पाँच दिन कमाए थे लगातार तीस करोड़ hmm. गदर टू का छठे दिन हो गया ये मतलब hmm. कब फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे वेनजडे ठीक है थर्सडे और फ्राइडे को नीचे आया वो सैटरडे को वापस थर्टी करोड़ तो तुमको लगता है पठान के रिकॉर्ड तोड़ सकती है ये देख के तो अब लग रहा है भाई mm. सैटरडे को जो जम मारा है ना इसने थर्टी वापस आ गई तो संडे को भी जाएगा थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी एट भी जा सकता है ऊपर से यार ओ माय गॉड टू का क्या हिसाब है अभी ओ माय गॉड टू भी अच्छी चल रही है हंड्रेड क्रॉस कर लिया उसने शायद हंड्रेड नेट चलो mm, उसका बहुत अच्छा है भाई क्योंकि

फिर और कौन सी आई थी राम सेतु फिर से सेल्फी वो सबके लाइफ टाइम को इसने पांच दिन में क्रॉस कर लिया वो भी 18 प्लस उन्होंने बार इतना जो लो रख दिया था अपना <laughs> वो भी भाई 18, भाई। 18 प्लस मूवी हो के भी और फैमिली ऑडियंस खत्म हो गई उसके वजह से और गंदा तो सेल्फी वाला था ना भाई वो मैं भाई। भाई। करोड़ सबसे गंदा था भाई। कितना बोल रहे हो तेईस करोड़ नहीं 16 है शायद उसका लाइफ टाइम 16 या क्रॉस दिखा रहा था भाई हाँ, हां जा सकता है आ, सेल्फी तो मेमोरी में से भुला देना चाहिए ऐसा हो जाएगा आ, भाई ये बड़ी गंदी गई थी वो तो इसके बाद आ रहा है द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू इनकी हां पक्ष कुमार तो तो कह रहे हैं ना जिसमें उन्होंने वो पंजाबी कौन सा महीना चल रहा है ये अगस्त कब आ रही है वो अक्टूबर में भाई आ? हाँ तो हाँ तो सितंबर में ट्रेलर वाले आना चालू हो जाएगा ठीक है भाई भाई लाइन से अभी अक्षय कुमार की पिक्चरें लगी हुई हैं अभी वो हमेशा ही लगी रहती है भाई गर्मी तक आते आते बड़ी मियां छोटे मियां आ जाएगी हाँ और एक वो वाली भी आ जाएगी जो सूर्या की पिक्चर का रिमेक था उड़ान उड़ान उससे पहले ही आ जाएगी सूर्य पोट्रू

वो वो पे। वो वो फिल्म क्या? उन्होंने प्रोमो शूट करके रखा होगा यार भाई हाँ। <laughs> साहब फिर फिर काटेंगे फिर नया करेंगे मैं गुण। 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 वो होता, मैं मैं होता खुद जाता बार बार क्या मैं इसके लिए <laughs> बार। वो, फाइटर अच्छा लग रहा था उसका बैकग्राउंड स्कोर अच्छा लगा वो वंदे मातरम वाला तो ठीक ही है। डॉन डॉन में, थ्री में बात कर चुके, कर पर, चुके नहीं। नहीं। पीजे भाई PS5 कब लोगे? चैट में एक बोल रहे कि सस्ती टॉप गन लग रही है देखो इसको जब मैंने पहली बार देखा ना तो मेरा भी थोड़ा बहुत वही रिएक्शन था फिर सोचा मैंने कि

वो वो पता है ने कल अनाउंस की मतलब वो, वो स्ट्राइक का वो अनाउंस हुआ कि स्टूडियोज मेक एक लेटेस्ट ऑफर टू राइटर्स गिल्ड नेगोशिएशंस टू रिज्यूम नेक्स्ट वीक कल ये बात आई थी okay. और आई थिंक ऑफर अगर आज आज अगर दे रहे होंगे प्रोड्यूसर्स गिल्ड वाले तो नेगोशिएशंस अगले हफ्ते तक का टाइम है चालू दैट मीनस की स्टूडियो ने आज ऑफर किया है अब ये मानेंगे फिर क्या नहीं भाई देखे। अभी मेरे को तो उम्मीद कम ही है क्योंकि टाइम अभी चलेगी ये स्ट्राइक एक एक सुपर चैट को मैं बीच में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा अरे गाइस चैट पढ़ ही लेते हैं अपने टॉपिक हो ही गए हैं बट एक जो सामने आया उसको पहले खत्म करते हैं क्योंकि तुम मान रहे ना मानो इसकी बात हम लोग स्ट्रीम चालू करने से पहले ही कर रहे थे एक चौथा बंदा भी था यहां पे आके सुपर चैट ऐसा है कि इंस्टाग्राम <coughs> पे जितनी अश्लील रील्स दिखती हैं उसके एटी परसेंट ऑफ द टाइम अंडर लाइक्ड बाय पीजे एक्सप्लेन दिखता है <laughs> पीजे भाई फुल इंस्टाग्राम का यूज़ करते हुए बादल भाई तो फेवरेट थे फिर पता चला कि रेंटा गर्लफ्रेंड फैन है भाई फैन नहीं हूँ मैं ठीक है मेरे वीडियो जाके देख लो उसको मैं सिर्फ कचरा बुलाता हूँ ठीक है बट जब आती है तो देख लेता हूँ क्योंकि

ना कि पोइट्रिक सिनेमा में बंदा बर्बाद है है फंसा हुआ मूवी के एडिट्स टॉप टेन यही देख रहा हूँ अच्छा। जो असली जो चीजें देखने के जो लॉन्डे लपाड़ी वाली है आ, वो तो अभी भी एक नौजवान ही तो वो भी देखना चाहिए ना मुझे आ, तो वो एल्गोरिथम नहीं खराब करना चाहता तो मतलब ऐसा मत बोलो की देख के निकल जाता हूँ मतलब ऐसे लाइक करके निकल जाता हूँ देखते हो एक्सेप्टेड भाई तो जो देखना वाला मैटर होता है देख लेता हूँ क्योंकि भाई इंट्रोडक्शन आज से होता है फिर वो अपना कुछ बताने समझाने लगती फिर मैं निकल जाता हूँ ठीक है ऐसे कौन सी रील होती है कि पहले पिछवाड़ा देखते हैं फिर तुमको बताते दें क्या है मान लो ये कैमरा है ठीक है यहाँ पे यहाँ पे कैमरा है और वो यहीं से निकलती है और जैसे लगता है तुम्हारे सामने से आग निकली हुई है

वो देखो अच्छा, में वो आदमी मुझे घूर रहा है वो सब तो मैं मैं अवॉइड कर देता हूं मैं बकचोदी यार हिसाब के तरफ वो सब तो बकचोदी वो अटेंशन खाली लेने के लिए लोगों का है हां ओके वैलिडेशन चाहिए कि देखो मेरे को देख रहा है वो मुझे बचाओ मैं डाल रही हूं सोशल मीडिया पे ठीक है जाके बहन बोलना यार अपने ट्रेनर से जो भी अथॉरिटी है उससे ठीक है आ, आ भाई हेवनली डिलीजेंस देखा गया अरे बहुत सही भाई मैंने hmm. वीडियो बनाया है एनिमे पे जाके देखो तो लास्ट सीजन का बेस्ट एनिमे लगा मुझे वो नंबर वन hmm. सुपर चार्ज करो Yo. शुरुआत से चलते हैं डेढ़ घंटे अपन ने रेगुलर पॉडकास्ट कर ली भाई कितना स्क्रॉल करना पड़ रहा है उफ ये सक्सेस क्या yeah, हुआ <laughs> बहुत स्क्रॉल करना पड़ रहा है ऊपर जाने के लिए अरे बाप रे सुपर चैट सुपर चैट चीसो चीसो मौसम चाहिए चीसो चीसो मौसम मतलब क्या होता है तो क्या पता भाई छोड़ो तो ना सर्च करो चीसो इन नेपाली टू हिंदी ऐसा डाल ओके सो तो नहीं है मोहित पिज्जा और बादल आप तीनों की एज क्या है बता दिया अपन ने ऑलरेडी हम्म ठीक है चलो और एज जान के क्या करोगे राहुल देव

बादल चैप्टर तक रीड इट एंड मजा आएगी मैंने नाम सलमान भाई की मूवी से रखा है नाम तो तुम्हारा समीर था पिक्चर समीर बहुत पिक्चरों में नाम था मुझसे शादी करोगी शादी हुई आपकी समीर थापा जी मिली आपको प्रियंका चोपड़ा या कोई अक्षय कुमार ले गया प्रियंका चोपड़ा को तो वो लेके घूम रहा है कौन जोनास का लड़का और ना खा क्या बता प्रियंका चोपड़ा उसको लेके घूम रही हो हां <laughs> वो वही <हुई> है ओके <laughs> okay. देखो ऐसी हरकतें होती है ना इसीलिए कैंसिल हो जाते प्रियंका चोपड़ा मुझे मुझे एक अभी अभी मुझे एक एनीमे यूट्यूबर ने बोला कि आप आ रहे हो क्या दिल्ली मैंने बोला क्यों जुपिटर का प्रीमियर है मैं पहले अंदर से रोया बहुत ज्यादा मैंने बोला नहीं भाई नहीं मुझे आ, सुनने में मिला ना मोहित इस बार भी क्यों ऐसा हुआ था हाँ <laughs> जो हर दैट इज़ दैट इस जस्ट डब्ल्यू बी थिंग्स देन डब्ल्यू डब्ल्यू बी का एल डब्ल्यू जस्ट डब्ल्यू बी थिंग्स भाई यार मैं बोला सीखे होंगे कुछ नहीं हुआ था <laughs> अब एक्वा <Aquaman> मैन की बारी <laughs> तो वही देखो इसीलिए इसीलिए कहीं इनवाइट नहीं करते अपने को आ, बस हम हम इस हम हम इसी लायक है हाँ <laughs> खुद हम खुद की टिकट खरीद के और देखने जाए लव यू मैन ऑफ कल्चर मैंने कुछ दिन पहले स्पाइडरमैन एंड माइल्स इसका फुल स्टॉप लगा दिया उन्होंने आगे देख लीजिए थैंक यू फॉर सुपर चैट भाई थैंक यू भाई स्पाइडरमैन और माइल्स रिप्ले करी पी <laughs> फाइव पे फिर से आ, पहले पी पे किया था स्पाइडरमैन टू के लिए तैयारी कर रहा हूँ ऑल द बेस्ट ओके ब्रो

क्या चीज अच्छा नो लग नो लग हो चीज़। गया। भाई वो एक बिलियन का कम, रहे ने लगाया ही उसने था। वही, आ, ने कमाया। हो गया उसका छ सौ कर लिया है और बारबी बहुत छे सौ बहुत इम्प्रेसिव आर रेटेड बायोपिक

सरकारी को संस्कारी अच्छा जोकर है हाईएस्ट रेटेड आर आर रेटेड मूवी ओके ओ राइट okay. आगे दे, आगे है मोहित भाई मार्च 1992 एक सेकंड जोकर को आर रेटिंग क्यों दी थी वो मेरे ख्याल से वो होगी ना वायलेंस थीम्स वायलेंस की वजह से मेंटल हेल्थ वाला जो भी हां okay. से शूट करके कर उड़ाता ना उसको लास्ट okay. में हां हां अच्छा वो एक गोली मारने अपने या तो वो देखा है मोहित भाई मार्च 1992 में क्या हुआ था तुम्हारा बर्थडे कब है मार्च में ही आता है <laughs> इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब ये है। <laughs> आगे, <laughs> आगे देखे तो माय फर्स्ट एससी अच्छा ठीक है तुड़े सचिन तुड़े कुमार ने अपना पहला सुपर चैट दिया है भाई ओके मैन ऑफ कल्चर को भी सचिन वही लप्पू सचिन ले भाई उसने सुपर चैट लिखा ही है दिए यार उनको तो मत लप्पू बोलो

मतलब टीवी पे थोड़ी थोड़ी देखी है जो आती रहती है पप्पा इसमें सबसे सब ज्यादा सब खूबसूरत हीरोइन वो फेवरेट मूवी शाबाश नेक्स्ट है भैया फर्स्ट ऑफ ऑल बिग फैन आई हैव अ पर्सनल क्वेश्चन आई एम काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट एंड हैव अ रिस्पेक्टिव नेचर फ्रॉम सम डे देयर इज अ गर्ल इन माय क्लास रिस्पेक्टिव ही आई हैव अ रिस्पेक्टिव नेचर फ्रॉम सम डे देयर इज अ गर्ल इन माय क्लास अच्छा ये लड़की है क्लास में ठीक है इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट है क्या किया जाए मैं तो नहीं बता पाऊंगा तो नहीं, नहीं, नहीं मेरी हिस्ट्री जान नहीं रहे हो क्या तुम सर अरे भाई छोड़ो तुमको बुली करना हो जाएगा इसलिए निकल जाएगा ना तो फिर अफसोस होगा कि कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कर लो भाई कोशिश धीरे-धीरे पहले तो इंट्रोवर्जन खत्म करो अपना हां इंट्रोवर्जन खत्म कर ले भाई धीरे-धीरे खत्म तो, तो नहीं हो पाएगा लेकिन मतलब थोड़ा कम कर लो अभी कर लो वरना बड़े होने पे तो डायरेक्ट फिर केस ही होना है फिर ठीक है पेरेंट्स ने साइंस के लिए फोर्स किया अब पढ़ी नहीं जा रही है। भाई क्या लिखा इन्होंने पढ़ी ओ भाई ऐसा होता है होता है एक्चुअली मैं जब मैं कॉमर्स में शिफ्ट हो रहा था ट्वेल्थ में तो पता नहीं मेरे पापा ने किसी किसी बंदे को बोला मेरे को समझाने की कोशिश की थी अच्छा। <laughs> मतलब मैथ या साइंस लेने के लिए अच्छा आ, मैं मैं कन्विंस और वो बंदा खुद क्या करता था बैंक में नौकरी करता था तो उसने तुमको साइंस लेने के लिए कर... ठीक है तो उसने बोला मुझको मैं मैं डन था भाई मैं नहीं जा रहा कहीं पे मैंने किया पढ़ा बढ़ा अपना

बोल भी दे जब पढ़ लिया तूने तूने तो करा भी है हाँ तो भाई ट्राई वंश पीजे पीजे ने काफी से एडवाइस दी कि टीनेज लव वापस नहीं आता तो ट्राई वंश फिर उसके पप्पा या भाई निकला <laughs> कूट दिया तो फिर पहले नॉर्मल बात करके देखो भाई <laughs> भाई ठीक है सीधे मतलब ऐसे ट्राई वंस मत कर लेना पहले बात करो नॉर्मल वो तुम इसकी जैसे करोगे वो गंसन गुलाब मैन वो सीन मेरे को बहुत सही लगा था जाके चिट्ठी देता है और भाग के आ जाता <laughs> है क्या बोलते हैं सेक्स करना चाहते हैं आपके साथ ए, ए, नहीं <laughs> नहीं।, नहीं।, नहीं जूते पड़े वो गैंग से वहां से पूरा हो जाएगा तुम्हारे साथ वो, वो, सब मत करना चलो चलो हो गया ठीक है प्रिंसिपल का ऐसा परमिशन तो मांग रहे थे नेक्स्ट है बेस्ट फिल्मोग्राफर बेस्ट फिल्मोग्राफर हां इंटेल रैंक रैंक किया है महेश बाबू की मेनी कल्ट्स हिट्स अल्लू अर्जुन थर्ड सेकंड uh, पे अल्लू अर्जुन सेकंड है अल्लू अर्जुन थर्ड है प्रभास इग्नोरिंग राधेश्याम आदि अचार राधेश्याम हां राधेश्याम आदि पुरुष फोर्थ है पवन कल्याण की

मैंने ज्यादा देखा नहीं इसलिए मैं कुछ को टिप्पणी नहीं करना चाहता रामचरण हैंडसम आदमी भाई सेम सेम तो दे दिया होता तो मैं उनको तक बट ये उन्होंने फिल्मोग्राफी रैंक किया हुआ है जिसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आया था कि तुम स्क्रिप्ट कौन सी चूज कर रहे हो तो उस हिसाब से इनको लगता है कि महेश बाबू इज नंबर वन सेकंड पे ओके

भाई गानों से मैं प्रेस नहीं हुआ मैं मेरे को दूसरा अच्छा लगा मैं सुनो जो रोमांस रोमांटिक वाला गाना था ना जब में डांस डांस कर रहे थे कौन हीरोइन का नाम है साउथ वाली का अह नयनतारा तो वो पुलिस में रहती है जवान वो लफड़े वाला है तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके भाई क्या कर रहे हो अब वो लफड़े वाले उसको नहीं पता होगा ना कि लफड़े वाला है

कुछ नहीं कुछ नहीं मस्त मस्त डायलॉग भाई यार कह दो भाई अगर, अगर अगर किसी अगर... ने पकड़ा तो फिल इन द ब्लैंक्स कमेंट्स में ठीक है हां नेक्स्ट है मोहित भाई पोस्ट पोस्टर्स दिखाओ अपने नए वाले लिए क्या हां ये लगाया हुआ है एक सीक्रेट वॉर्स का है ओके एक ये वॉचमैन का है नीचे एक माकीमा का नहीं लिया तुमने नहीं नहीं कॉमिक बुक कवर्स है

ऑरेंज ना माकी मैं आ, नामी है वो माकी क्यों बोल रहा मैं याद तुम्हें सब है भाई जरा अरे मैं देखो मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए एक और चीज पूछ सकता था कि कितने बड़े थे आ, उसके लेकिन वो, वो एक्चुअल में सबके ही बड़े हैं वन पीस में सबके तो भाई सबके <laughs> मैं वो मैं तक पहुंचा नहीं अभी तब भी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा पाए खैर आगे हैव यू गाइस हर्ड ऑफ न्यू एक्ट्रेस मचू दीपारिया मत पूछ सॉरी पहली बार सुना हमने न्यू एक्ट्रेस तू झूठी मैं और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी श्रद्धा और आलिया चूज वन तू झूठी मैं मक्कार सेम को हटा दो बस हां ओके लेट मी थिंक रॉकी रानी की प्रेम कहानी अरे ना सेम सेम तू झूठी मैं मक्कार बेटर थी नेक्स्ट है मोहित एंड गेम में हल्क वाली टाइम मशीन से स्टीव रॉजर्स को यंग कर सकते हैं एनी थ्योरीज रिलेटेड भाई देखो करने को कुछ भी कर सकते हैं करने को तो बिल्कुल तो चाहता है कि नहीं भाई। वो तो अपने अलग चक्कर में गया है पीछे यार वो भाई चला गया वो अब खुशी बना के आ गया अपनी अभी क्यों यंग, यंग होगा तो तो मतलब फिर वो यंग ये तो जाएगा फिर उसके बाद जाएगा फिर यंग हो जाएगा फिर, में चला जाएगा, <laughs> फिर जवान जिंदगी फिर यंग हो जाएगा फिर टाइम में पीछे पहले सुपर चैट आया था हैव यू गाइस हर्ड ऑफ अ न्यू एक्ट्रेस में लोग बोल रहे कि गाली दे दिया उसने इनडायरेक्टली अच्छो भाई ओ गाली दी है उसने क्या कौन सी गाली दी है खैर मेरे को नहीं जानना ठीक है आ, आ मेरे को समझ में आ गया अरे वो एटीएम की लाइन में लगा रहता था ना कि हां समझ गया अच्छा <laughs> चलो ठीक है आगे है किसी पैरेलल यूनिवर्स में डीन टावल ने नाचा मोहित भाई के साथ अच्छा वो वाला सेकंड एनिवर्सरी रात को जहां झाबुआ जा, जाना पैसा बचेगा एडवेंचरस हो जाएगा ओके नेक्स्ट है शाउट आउट दे दीजिए प्लीज फ्रॉम रांची केशव जैसवाल भाई आपको एक बहुत ही अच्छा सा शाउट आउट आगे पीजे ब्रो मांगा का फील अलग होगा बट आम, वन बट वन पीस का म्यूजिक मिस मत करना कोशिश करेंगे मैं ये बोल सकता हूँ कोशिश करेंगे आगे है बादल भाई नो यूट्यूब पॉप

अच्छा बीते हुए कल की बुक कर दी और घर जाते वक्त फिर, फिर जाम लग गया ओ बेचारा यार फिर घर पहुंच के टट्टी तो नहीं आ गई भाई नहीं था तेरी किस्मत में देखना ठीक है किस्मत पे टट्टी थी भाई तुम्हारी आगे भाई तुम्हारी किस्मत में थिएटर में जाके हगना लिखा था पिक्चर लिखा था ठीक है आगे है बादल भाई नो यूट्यूब पॉप कल्ट क्रिएटर है पॉप कल्ट YouTube channel from scra scratch, okay. and saw your post on the the course Course and okay. I took it. Thanks by by the way Mohit, J. Badal all three. You you. are my inspiration. TYSM. Thank super chat बट अगर आपने देख लिया तो आप बताना कैसा लगा उसको ठीक है ये काफी ऐसा धक धक्टाई बादल हो गए पांच करोड़ पांच करोड़ uh. तो हिसाब बैठा हूँ इतने लो खर कि, लोग खरीदेंगे अच्छा कितना हिसाब लगाया तुमने भाई हो गया ये खुश कर दिया आज तुमने बादल को <laughs> अगर होते भाई एक लाख ठीक है मैं ऐसा मैसेज करता आज से मैं सब बंद कर रहा हूँ सिर्फ साहब कैलकुलेट करने भाई करके देखो तुम एक लाख 500 फाइव हंड्रेड करो कितना होता है पांच करोड़ <laughs> भाई करोड़ आराम से बैठ के मैं ऐश काट रहा, रहा था। बादल के मैं जा रहा हूँ दुनिया घूमने ठीक है तुम लोग बुलाओ यूट्यूब अपने <laughs> मैं निकला आगे है कैन गाया

नहीं यार अभी मार्वल का हिसाब यही है ना वो एक चीज इंट्रोड्यूस करता है फिर उसका आंसर आपको चार साल बाद देखने को बोलता है मुझे so, भी वही लगता है 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 गाया चार गाया, तो गाया गाया को गाया को साल बाद आप देखेंगे तो गायब गायब कर देंगे लोग हो नेक्स्ट है, हो नेक्स्ट बीटेक में एडमिशन गया है, नीड योर विशेस, ओ भाई यार। Year ago, uh, bagel washed your lie in April, which destroyed my me emotionally. Never imagined that something could affect me that much. Any, any similar? similar uh, any similar experience? kya batau main मैं? सोचना पड़ेगा। एक थोड़ा बहुत similar हो जाएगा। I want to eat your pancreas। देख लो। मुझे mid लगी वो picture। अच्छा। आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास हां मिड लाइक ओके वीडियो बनाया पैं... था तुमने उसके ऊपर शायद नहीं उस पे नहीं बनाया था क्योंकि पता है मैंने वो क्या वो वो पिक्चर नहीं आई थी फॉल्ट इन आवर स्टार्स एंड बकेट लिस्ट का ही तो अमलगिमेशन अच्छा ओके okay. तो मैंने देखा हुआ है दोनों पिक्चर है तो आगे है बता दे भाई से अच्छा आई वांट टू तो ईट योर पैनक्रियास देख ले भाई हम्म ठीक है नेक्स्ट है पीजे भाई व्हाट डू यू think about quotes underscore and underscore world page. Quotes words के page जो जमात follow किया कर भाई यार अच्छा मैं तो खुद ही कुछ follow करके रखा हूँ क्या बोलूँ <laughs> next है please review मस्तानी movie trailer मस्तानी क्या है? कुछ आया क्या no idea कोई पंजाबी picture थी आई पता नहीं शायद okay अ अपकमिंग पंजाबी मूवी है लोग टैग किया हुआ था पैन इंडिया बता रहे थे अच्छी वो हिसाब किताब तो नहीं ना है कि मतलब वो जो किला प्रोटेक्ट करना होता है क्या है अच्छा I have तो no idea वो फ्रीडम uh, फाइटर्स वाला ऐसे ही कुछ हिसाब किताब लगे कोशिश okay. करेंगे मौका मिला तो जरूर से देखेंगे नेक्स्ट है ऑसम कंटेंट गाइस एंड लव यू अलॉट फ्रॉम छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ओके भाई लोग मेरे यहाँ गेमिंग चैनल है अच्छे व्यूज नहीं आते प्लीज शेयर सम गाइडेंस

कि क्या प्रोसेस होता hmm. है तो मे बी वो आपको हेल्प कर सकता है नेक्स्ट है टॉक अबाउट अल्ट्रा ईगो वेजिटा एंड हाउ एक्साइटेड यू आर ड्रैगन बॉल की बात कर रहे हैं ये नो आइडिया मैन ऑफ कल्चर वी वी ऑल लव यू मोहित भाई गेट वेल सून पीजे किबिंग एंड बादल बादल बरसा ये मेरे टाइटल से ठरकी कांसेप्ट निकाल भाई यार तू तो। क्यों अबे मेरे को नहीं तुम खुद इंस्टाग्राम पे लाइक कर करके ठीक है वो इमेज प्रेजेंट कर रहे हो नहीं, और, नहीं, और बोल रहे हो कि ठरकी मत बोलो तो मैं रिस्पोंड ही नहीं कर रहा अगर किसी ने मुझे ऐसे अप्रोच किया तो सीधी सी बात अब अगली बार कोई आए ना ऐसे बोलते बोलते देना दो सपाटे खींच के गाल पे निकल निकल नहीं कोई कोई साइड से रिकॉर्ड कर लिया तो उसको मैं भी देना उसको भी जाके देना खान के नीचे next is, i'm trying to move on but getting hard to to distract ये गलत टाइम पे पॉज ले लिए तुम getting hard getting i i'm hard. trying to move but getting hard to, to distract ये पता है ऐसे तो सेंटेंसेस फॉर्म करके लिखते हैं ठीक है तो ऐसा लगता है सच में हार्ड है भाई अभी <laughs> ओ भाई डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं मैं मूव ऑन करने में देखा ऋषभ जैन मैंने शायद पढ़ी हम लोगों ने इसकी कहानी कुछ हुआ था इसके साथ शायद देख लिया देखो कैनन इवेंट था भाई ठीक है होना <laughs> था होना था भाई हो गया कैनन इवेंट अब करो हो जैसे तैसे निकालो टाइम्स खुद देखो कोई एक बड़ी आने में उठा लो वो देखना शुरू करूं नारुतो देख लो वन पीस देख लो शुभम पॉल ने सुपर चैट दिया ठीक है ब्रो माय मैरिज गॉट फिक्स्ड

भाई तो शादी का कार्ड किधर है चले गया जवान चले शादी का कार्ड मंगाओ पहले तो ब्रो नेक्स्ट है अच्छा ये हो गया हैरी पॉटर न्यू सीरीज कब आएगी बेटा पता नहीं भाई तो 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 स्ट्राइक खत्म है भाई स्ट्राइक खत्म हो पहले तो जो बन रही है चीजें वो नहीं बन पा रही है उसको, उसको पहले आप बुक लिखे हुए लेकिन फिर भी टीवी के लिए लिखना पड़ेगा फिर तुम एक्टर्स कास्ट करोगे

बेबी तो देख लेना हम हाँ मॉन्स्टर देख सकते हो मॉन्स्टर थोड़ा अलग हाँ। हो जाएगा बट है वो भी अच्छा है आगे है आ, सर मैं भी वीडियोस बनाने का ट्राई करता हूं फोन पर आ, फोन के सामने बैठकर थोड़ा-थोड़ा ब्लैंक हो जाता हूं, हो जाता हूं थोड़ा सजेशंस दे दो एंड एक्स से मूव ऑन में भी कुछ सजेशंस फोन के सामने ब्लैंक हो रहे तो स्क्रिप्ट लिख लो पहले उसमें अगर एक घंटा दो घंटा तीन घंटा पूरा दिन जा रहा है तो वो डालो बट अगर फोन के सामने ब्लैंक नहीं होना है तो उससे वीडियो की प्रेजेंटेशन बेटर हो जाएगी आप रुकोगे नहीं आप सोच के बोलोगे नहीं तो अच्छा लगेगा और एक से मूव ऑन कैसे करते हैं ये मैं नहीं पाऊंगा भाई मैं भी नहीं दे पाऊंगा भाई यार ठीक है मैं कर लेता तो भाई मैं इधर ना बैठा होता भाई आगे वीडियोस आगे। बनाओ दिन भर वीडियोस बनाओ मूव ऑन हो ही जाओगे तुम सोचने का टाइम नहीं मिलेगा तो हाँ। टॉक्सिक काम करने का तरीका मोहित भाई वन पीस एंड ड्रैगन बॉल जी कोलैब है एप, दो एपिसोड देखना एपिसोड 590 है ऐसा लिखा है अच्छा चलो आगे है अच्छा पॉडकास्ट 69 के बारे में हमने ऑलरेडी जवाब दे दिया है आगे है टेक हर्ड ब्रोस सोर्स कोड टुमारो लर्न देखी है talk 3 u क्या लिखा है भाई, भाई मैं तो समझ नहीं पाया भाई मैं भी नहीं समझ पाया उन्होंने ना हार्ट दिया तो टॉक तो टुमारो तो देखी है टॉक 3 u अच्छा अच्छा एक में मेन बात क्या है ना छोटा सा सुपर चैट होता है उसमें सब लिख नहीं पाते हर लिमिट होती है ना वर्ड्स की लिमिट मुझे है ये टॉक टू यू याद है नहीं टॉक 3 अब तीनों बात करें इनके बारे में टुमारो को नहीं मैंने नहीं देखी सुना है देखेंगे आगे

आ। ओ भाई फेवरेट मार्वल के शो से इन जो कि नेटफ्लिक्स डिज्नी मिला के तो फिर ये इजी हाँ। हो जाएगा डेड डेविल लोकी आ, हाँ। तीसरा किसको डालूं डेड डेविल लोकी और पनिशर तीसरा शी हल्क डाल दे ठीक है चलो आगे ये है बैटमैन आ... ये याद रखना भाई लोग ठीक है चार याद, चार याद रखना ये सीक्रेट <laughs> इन्वेजन ना डाल दूं मैं जब मुझे नीचे याद रखना ठीक है हां नहीं याद इस इस पे देखो ऐसे स्क्रीन पे ये याद रखना <laughs> ये है ये बैटमैन में रॉबिन कौन है उसका थोड़ा ओरिजिन बताओ एक लौंडा था सर्कस में एक दिन उसके माँ बाप त्रुप हो जाते हैं नहीं नहीं बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड वाले रॉबिन का मैं बताता हूँ ना ओरिजिन <laughs> क्या हुआ कि एक बार <laughs> बैटमैन जी जो थे <laughs> वो बहक गए एक रात तो भाई यार कहा जा रहा है यही सब बैटमैन आई एम द नाइट करते करते खुद ही नाइट बन गए ठीक है उनको टालिया जी ने अपनी नाव पे लेके गई और उनकी कश्ती उनकी कश्ती पे सवार हो गई वेंजेंस करते करते फिर जो झूले झूले हैं फिर बैटमैन उसको पूछने लगा आई <laughs> कौन वो वो है उसको उसको याद नहीं रहा कि एम आई और फिर आई डेमियन जी इस दुनिया He is the best Robin ever. चार्ट में ही इज द बेस्ट रॉबिन एवर चैट में चैट में किसने लिखा है डू यू ब्लीड नहीं तालिया के साथ ये नहीं, नहीं होगा आई थिंक तालिया भाई वो रेशल गोल की बेटी थी आई डोंट थिंक शी शी आई डोंट थिंक शी डिड

मतलब एक okay. कॉमिक बुक एक कॉमिक बुक नहीं होती ना फिर वो एक कॉमिक बुक दूसरे टाइम से कनेक्टेड होती है फिर उसके पुराने टाइम से कनेक्टेड होती है फिर वो चार छह स्पिन ऑफ निकल के आते हैं उससे hmm. तो इट्स नॉट इजी टू कीप अप आगे है मोहित भाई मेरा तुम भी रीड कर लो भाई नहीं फ्यू मोथ्रैक्स का सर्जरी हुआ था अक्टूबर 2019 में राइट साइड लंग लेकिन आज तक कभी कभी पेन होता है और मैं फुल्ली हैंड्स अप नहीं कर पा रहा हूँ किसका सर्जरी हुआ था मुझे तो पी एन ई हाँ ओके okay. तो फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी उसके लिए 2019 में हुआ था अक्टूबर हाँ तो वो फिजियोथेरेपी उस टाइम पे स्टार्ट कर देनी चाहिए थी उन लोगों को

ओ भाई मैरिज इज ऑन डिसम्बर इफ यू अग्री आई विल सेंड यू टिकट प्लीज कम अरे भाई बहुत ज्यादा हो जाएगा ये तो ओ <laughs> oh भाई यार ईमेल e कर दो क्या ना बिजनेस ईमेल्स पे बिजनेस ईमेल्स पे देख लेते हैं वहां पे ठीक है प्लीज ईमेल अस ऑन द बिजनेस ईमेल्स एंड वी विल थिंक अबाउट इट मैं भी कुछ कोरियन ड्रामा देखना शुरू कर देता हूं कोरियन ड्रामा जापानीज ड्रामा देखो ना? ना ये पीजे बनता हुआ रेसिस्ट हा? नहीं कांट डिफरेंशिएट बिटवीन जापानीज एंड मैं सोच रहा हूँ कि फिर मम्मी को कैसे समझाऊंगा कि जापानीज लड़की से शादी करनी है सो ठीक है भाई इंडियन पट नहीं, था था था। इंडियन तो नहीं, नहीं, नहीं रही इससे इंडियन पट नहीं रही इससे जापानीज <laughs> लेके आएगा भाई ये ओके <laughs> पीजे भाई क्या आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा था थैंक्स फॉर एवरीथिंग एंड आपको मेरा स्केच कैसा लगा बाय द वे मोहित भैया आप अपनी दी कॉमिक वर्स बंद क्यों कर दिया अच्छा जो ब्रांड खोला था, 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 था तुमने तो, भाई वो उसमें बहुत लफड़े हो गए थे वो पार्टनर जिसके साथ खोला था उसके साथ लफड़े थे फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस मार्जिन के भी लफड़े थे और मतलब नहीं हो पा रही थी मार्च का क्या okay. वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसमें अब एक्चुअली अब नाइकी को अपने से एक साइन करानी पड़ेगी 600 मिलियन की तब अपन देखते हैं तो उसके बाद

कर लो भाई जो करने हैं कर ही लो ठीक है पिछले आ, एक महीने से काम कर करके दिमाग uh, time, Force, uh, मे का नेक्स्ट है आई एम इन एयरफोर्स थर्टी टू ईयर ओल्ड थर्टी टू ओल्ड मेरे ऑफिस का डिस्टेंस एक आवर है घर से मंडे एंड ट्यूसडे पॉडकास्ट सुनते हुए जर्नी कट जाती है अच्छी बाइक पे बाकी डेज बोरिंग लव फ्रॉम हरियाणा अरे भाई भाई थैंक यू सो मच यार रिस्पेक्ट आगे है आईशो स्पीड की तरह पीनस रिवील कर दो तुम वायरल हो जाओगे हाँ ये कब किया उसने आई मीट हो गया भाई वो हॉरर कोई गेम खेल रहा था एक्साइटेड एक्साइटमेंट ने बॉक्सर्स पहना हुआ था और खींच के नीचे गिर दिया नहीं, नहीं 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 आगे नहीं वो थोड़ा सा कमर से ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो वो बाहर ही आ गया <laughs> <laughs> ऐसे ऐसे कर रहा था बाहर ही आ गया <laughs> <laughs> इतना भी नहीं लाना था आई शो स्पीड से आई शो मीट हो गया <laughs> भाई फिर चैनल ना उड़ गया उसका इसके कारण पता नहीं क्या होता तो गांड फट गई भाई उसकी नहीं आ, नहीं। तो <laughs> आई शो डिक ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था <laughs> नेक्स्ट है आई वॉच uh, 20 के मूवीज टाइगर 3 हॉलीवुड एक्शन टीम आई हैव वॉच 20000 प्लस मूवीज एक इंसान बता मैंने देखा हुआ था एक इंसान अपनी जिंदगी में पांच लाख पिक्चरें देख सकता है अगर वो बैठे लगातार देखने के लिए तो बीस हजार पिक्चरें ठीक है एक पिक्चर का रन टाइम तुम एक सौ बीस मिनट पकड़ लो ऑन एन एवरेज दो घंटे हो गए तो कितना टाइम हो गया कोई कैलकुलेट करके बताएगा में आप बताइए चैट बताइए

समझते हैं भाई है वो प्रायोरिटीज और क्या प्रायोरिटीज छोड़ो छोड़ो अब मैं आकिब खान भाई आई एम रियली सॉरी मैं आपका इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं बिल्कुल एलिजिबल नहीं हूँ इस बात के लिए आगे है समझा करो पीज़ पीजे पापा देखते हैं पॉडकास्ट तो हाँ पीजे लाइक लाइक ब्लेड रनर ही विल डेफिनेटली लाइक ओबितो उचिया नारुतो का कैरेक्टर है ठीक है कोशिश करेंगे आगे है भाई सच्ची बताना पहली बार कौन कब देखा था ये बातें बताई नहीं जाती ठीक है नजर लग जाती है चालीस रुपए दे के मैं तेरे को बताऊ ये बात ठीक है अपनी नजर देखें किस देखें। बात की लगेगी अंधे हो जाओगे डेयर डेविल नजर आगे है ये भी आई शो बीट बन जाएगी आगे है आपसे दरख्वास्त है कि आप किंगडम ऑफ हेवन देखें ओके Of... बादल देख ले भाई यार ठीक है मोहित भाई वानो आर्क? वानो आर्क एनिमी हाँ वानो आर्क एनिमी में देखना बादल ऑर्डर order... का है ना हाँ हाँ बादल ऑर्डर बताओ ऑर्डर क्या बताऊँ वानो आर्क 900 से चालू होता है शायद 908 के आसपास और अभी तक वही चल रहा है अभी देखेंगे. तक आगे है इफ मार्वल वर्सेस डीसी हुआ आप किसकी फाइट देखना चाहोगे अबे तो दोनों ही की देखेंगे मार्वल जब दो, दोनों लड़ रहे हैं तो एक ही फाइट होगी ना हां आगे है भाई सुपरहीरो पूछ रहा होगा अच्छा मार्वल और डीसी में से सुपरहीरोस लड़े तो आप कौन से दो सुपरहीरो की देखना चाहोगे ऐसा उनका पूछने का पूछ है, मतलब है डेडपूल हार्लिक तो हार्लिक यूनिवर्स से शेलक हो जाए नहीं डेडपूल हार्लिक मिड ओके अबे तो क्विन को पेल देगा टेडपूल एक झटके में क्या बात कर रहा था। हार्ली क्विन का किसी से भी कंपटीशन कराने का क्या पॉइंट है मेरे को वो झोटा नचोल देखना है ना ऐसा <laughs> ये ये ये, ये। <laughs> कह रगे हुए ऊपर कहीं और जा रहे हैं भाई साहब कॉमिक्स कहां से पढूं प्लीज बता दो पैसे देकर बिल्कुल कॉमिक राइटर्स को आप सपोर्ट कीजिए ठीक है आगे है भाई इस नंबर की पॉडकास्ट कब आएगी आएगी बता दो क्या 69 .69 सुपर चैट दिया उन्होंने ओके okay, अच्छा ओ, देव गेमिंग हमने बताया तो जल्द 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 नेक्स्ट <laughs> है मोहित भाई लव यू सम सीरीज रेक रेकमेंडेशन इनटू द बैड लैंड्स एलेक्स राइडर वॉरियर एच है गैंग्स ऑफ लंडन हाउ टू सेल ड्रग्स ऑनलाइन अगर देखी है तो योर व्यूज इसमें से मैंने इन टू द बैडलैंड देखी है वॉरियर देखी है और हाउ टू सेल ड्रग्स ऑनलाइन देखी है और कौन सी थी गैंग्स ऑफ लंडन वो नहीं, नहीं देखी और बस वो uh, नहीं देखी बाकी कैसी ये लगी है इन टू द मेरे को ठीक लगी और हाउ टू सेल ड्रग्स गया ये YouTube ने काट दिया क्या भाई ती, तीन बार उन्होंने डी वर्ड यूज किया है डी डी भाई डी हेलो हाँ ओह शिट हाँ इसलिए यूट्यूब ने काट दिया शायद गई क्या नहीं 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 है मतलब तुम नहीं? तुम ये हो गए थे ना अच्छा अच्छा ओके ओके आने कैसी लगी थी तुम्हें बता रहे थे हम्म सही है सही है बढ़िया बढ़िया भाई ये चैट में पीजे शेक पीजे शेक क्या चल रहा है क्या शेक करने को बोल रहे हैं पीजे मैं नहीं कुछ कर रहा भाई मैं कुछ नहीं कर रहा दोनों हाथ ऊपर करो हां रीड करो सुपर चैट ठीक है व्यूज ऑन विचर सीजन 3 विल यू सी 4 विदाउट हेनरी मैंने लास्ट के दो या तीन एपिसोड देखे नहीं अभी तक कुछ देखना है कंप्लीट तो एटलीस्ट मैं करना ही चाहता हूं कि क्या हुआ आगे है आ, आ, आप तीनों में से, में से बिग बॉस में कौन जाना चाहेगा मैं, मैं तो नहीं।, नहीं।

किसी का भाई किसी की जान तो ऊपर से फिर निकल के वही स्टेज पे की पिक्चर जैसी बनाओगे वैसे ही तो रिव्यू के लिए <laughs> <देंगे> भाई साहब <laughs> अरे उन एक वीडियो देखा तुमने अवार्ड स्टेज पे किसी ने ऐसा रिप्लाई दे दिया था भाई को ओह अच्छा हाँ अरे मेरे ख्याल से वो ये था अ, मिथुन अच्छा। था शायद अच्छा आ, ये वो देखा है मैंने आपसे ही तो सीखा है बोलता है अरे भाई। वो मतलब नहीं तो... ऐसा मेरे को सुनने में आया की अरिजीत तो और वो मिथुन के बहुत गुस्सा हो गए थे भाई तो लोगो hmm. ने बीच में आके उसको शांत करवाया मैंने मेरे को ऐसा सुना है मैंने

से एक पहले वाला फाइट है हाँ नेक्स्ट है मोहित भाई अभी नींद हो रही है ठीक से क्वेश्चन मार्क अभी नींद हो रही है भाई है. अब इतनी दवाइयां दे रखी हैं तो नींद तो हो ही जाती है अच्छा ठीक है मैंने लिखा है मेरे आईनॉक्स में ओ माय गॉड टू में पांच साल के बच्चे थे क्यों अब वो तो आईनॉक्स वालों से पूछो भाई यार बच्चों को तो लेके जाना नहीं चाहिए किसी भी पिक्चर में तो रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं इसलिए लोगो सुबह का शो सबसे पेस्ट रहता है सुबह का जो मॉर्निंग शो रहता है ना जो अपन लोग देखते हैं खाली रहता है हां और, हाँ, और मतलब मोस्टली मतलब वही लोग आते हैं जो एक्चुअली मूवी देखने में इंटरेस्टेड होते हैं हां डरता है आ, साला यार मैं पूछूं उससे क्यों रो रहा है तू मिलनारी क्या है तुझे और क्या मिलनारी भाई उसको खाना भोजन पानी और क्या भाई हां नेक्स्ट है अपरचित स्टोरी आ, स्टोरी होनी चाहिए उसके नीचे का एक तुम छोड़ दिए टॉप अच्छा मूवीज पर... तेलुगु स्टेट पोस्ट पेंडेमिक नंबर वन पे आर 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 चार सौ बीस करोड़ दो पे वॉल्टर वेरियर एटी टू एस एस एम बी एस वी पी पट्टा एक सौ अड़तालीस के जी एफ टू डब वन नाइन पुष्पा पुष्पा मतलब वही बताए कितना कमाया है

Hmm. और ई एम ओ नोकिया गाना चाहिए अपन को नोकिया नेक्स्ट है क्या तुम्हें अब गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो क्या तुम YouTube छोड़ के गवर्नमेंट जॉब करते यस इट डिपेंड्स कि कौन सी गवर्नमेंट जॉब है हां वो भी है हां और जज YouTube छोड़ने क्या जरूरत है भाई गवर्नमेंट जॉब में काम थोड़ी होती आई थिंक छोटी में बड़ी बात हो जाएगी प्रफुल भाई जब ऊपर ऊपर वाला आदमी डंडा डालेगा ना बॉस अच्छा ये, ये भी बात है ना ये बात है प्रेशर बड़ी जॉब्स में प्रेशर बड़ा रहता है ना सुनना रहता है लोगों के ये वो गवर्नमेंट जॉब में प्रेशर होता है अबे अब आजकल सब होने लग गया भाई आज के टाइम पे मैंने हाँ। देखा इधर पता है भी कोई एक अधिकारी आने वाला था ठीक हाँ, ना मैं फायर स्टेशन के पास में ही था तो पता नहीं पता चल गया उनको कि ये कोई आ रहे हैं बड़े ऑफिशियल उसी दिन कुछ काम मेरा था वहां पे उन्होंने मेरे काम को इसी हटाया कारपेट और पेड़ बिछा खाने मिठाइयां समोसे आए अचानक से आ रहे थे वो अनाउंस नहीं किया था लेकिन उनको पता चल गया कि आने वाले सब तैयारी हो रही है अंदर सोचा कितनी गांड फटी होगी उन लोगों की कितना करना पड़ा उन्हें ओके अच्छा बड़ा प्रेशर नेक्स्ट है Insta पे जितनी अच्छा ये वाला कर लेते अपन ने

ओ तो भाई यार दिख रहे तो अच्छा लग रहा है भाई भाई पता चला कर... पिक्चर से अच्छी बना दी उन्होंने मतलब गॉड रसल है भाई उसमें और okay. उसका बेटा वाइट रसल दोनों ओके okay. देखें आगे है कंटिन्यूड uh, मोहित की रोस्टवर सीरीज बेस्ट थिंग ऑन यूट्यूब लास्ट बट नॉट लीस्ट थैंक्स फॉर द एमओसी पॉडकास्ट इसी को सुन के नींद आती है रात में थैंक यू भाई नेक्स्ट है बसर कैसे देखूं मांगा या एनीमे एंड व्हाई मांगा पढ़ लेना मांगा देख लो भाई मांगा देख लो एनीमे तो भाई एनीमे बहुत ज्यादा इनकंप्लीट है और जस्टिस भी नहीं करता एक हद तक मटी नेक्स्ट है खासी होती रहती है ऑलवेज कुछ एसपीएस टिप्स एंड टॉप गन डिस्कशन मैं देख लेता हूं एक बार करते हैं अपन हम्म टॉप गन देखो भाई

कूटने वाला इमोजी डाला है मन डोल रहा है क्या करूं मन डोल रहा है तेरे को डोल रहा है कि आंटी मतलब इन, इन, नहीं इनके इनकी सुनो so, no, अच्छा कमाते हैं ये इनकी जीएफ है और सब कुछ सही चल रहा है ठीक है अब इस इन पे आंटी ने गलत नजर डाली हुई है ओ... और इनका मन डोल रहा है अब क्योंकि आंटीज तो भाई आकाश तो आप अपना एड्रेस बताओ आप अपना एड्रेस बताओ मैं पहले वन जीरो जीरो पे कॉल करूंगा पुरुष हेल्पलाइन <laughs> एक दरिंदा घूम रहा है हमारे बीच में एक एक मिल चुकी है फिर भी साले का मन संतुष्ट संतुष्ट संतु नहीं हो रहा नहीं हो रहा प्लीज अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए नेक्स्ट है फॉर यू ऑल देखो एक एडवाइस देना चाहूंगा जब भी ऐसा कुछ लगे ना तो यहाँ से सोचो यहाँ से नहीं ठीक है बाद में वही लग जाते हैं जो जय भाई ने तुम्हारा फर्स्ट नट होता है ना वो तुमको धोखा देने के लिए लगा होता है ठीक है तो अपने सेकंड नट की सुनना तो हाँ फर्स्ट नट की मत सुनना कभी uh, तो वो तुम्हें वो कह देगा कि खानदान को छोड़ दे ठीक है <laughs> लेकिन कभी फर्स्ट नट पे भरोसा मत करना फॉर ऑल फॉर यू ऑल वॉच द सीक्वल दैट वॉज बेटर दैन द ओरिजिनल मूवी फॉर मी इट वॉज क्रिश सेकंड में तो मेरे ख्याल से वो अनडिस्प्यूटेड एक जो फ्रेंचाइज थी फाइटिंग वाली अच्छा क्रिश का गाना गा रहे हो और सेकंड बेटर देन हाँ सोच नहीं जाएगा तो काफी एग्जांपल मिल जाएंगे डार्क नाइट हो गया फिर उसके बाद दृश्यम भी... हाँ, भी ठीक थी uh, रिसेंटली एक रिसेंटली एक दिश्ण कोई आई थी मूवी टर्मिनेटर अच्छी थी भाई यार

ठीक है अच्छी लगी तो और कंटिन्यू रखेंगे आगे है ब्लू बीटल मेक सेंस इन डीसीयू ड्यू टू प्रोजेक्ट लाइक बूस्टर गोल्ड एंड बाय द वे व्हिच न्यू कैरेक्टर फ्रॉम डीसी मार्वल डीसी गेम यू वांट माइन यू वांट माइन वुड बी ग्रीन एरो समझा नहीं मैं क्या मैं भी नहीं समझा मतलब कौन सा नया मार्वल डीसी कैरेक्टर आएगा क्या ग्रीन एरो डीसीयू में हां मार्वल डीसी में नहीं नहीं ब्लू बीटल मेक सेंस इन डीसीयू ड्यू टू प्रोजेक्ट्स लाइक बूस्टर गोल्ड ठीक है मतलब आगे बनाएंगे उसके ब्लू बीटल का सेंस बन रहा है ऐसा कह रहे हैं वो। गेम mm. में से कौन सा आना चाहिए आपको लगता है इनके हिसाब से ग्रीन एरो सोचो तब तक व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट जवान फ्रॉम लास्ट टू पॉडकास्ट आप लोग हॉलीवुड नहीं नहीं तो ना, ना, के चाटते हो, होते जा रहे हो हॉलीवुड के चाटू होते जा रहे हो बाय अब रेगुलरली क्यों नहीं है भाई जिस, मैं बता, जिस दिन के से खून निकल आए तुम्हारे चाटू बन के दिखाओ जिला के तेवर के रेगुलर नहीं आ रहे क्योंकि अब थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे रेगुलर का डाल के व्यूज ऐसा तो देखते हैं ब्लू बीटल का उसका ग्रीन एरो का कुछ सोचा अरे ऐसे तो, तो फिर बहुत सारे हैं फिर अगर ऐसे कैरेक्टर के लिए ऐसा है थोड़ी ना लेकर आओ देखने के लिए एक्साइटेड तो जैसे मैंने बताया कि डेमियन वेन का रॉबिन और नाइट विंग ये अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स है रेड एक एक बंदा है मोहित को चालीस रुपए फीस देकर पूछ रहा है भाई पॉटी क्लियर नहीं हो रही है वाला भाई मेरी क्लिनिक पे <laughs> <laughs> भी दो सौ फीस है समझे पर्ची बनवा पहले जो पता चल सुपर चैट दे देंगे इसमें से भी 20 तीस परसेंट यूट्यूब रखेगा उसमें से उसमें से भी तीन लोगों में पड़ जाएगा ये मतलब <laughs> <भाई। laughs> मोहित के डॉक्टरी की फीस हमको मिल रही है ऐसे ही समझे भाई मुझको पता चला जब जब प्रयागराज में जब मुझे ट्यूबर क्लासेस था तो जो डॉक्टर के पास में फीस दिखा ठीक है तो वो उस टाइम पे चार सौ रुपए लेता लिया था बहुत महंगा था भाई इस टाइम चार सौ भीड़ लगी हुई थी मैं कैलकुलेट कर रहा था दिन में यार चार सौ बंदे ऐसे देखता होगा कितने पैसा पैसा भाई साहब ठीक है बड़ा मस्त घर में ही बनाया हुआ था भाई कहानियां पता चल रही है इसका बेटा दो दो बार किडनेप हो चुका है ये वो मस्त पैसा जब मैं गया था ना तो ऐसे आईफोन दो रखा हुआ था अपनी जेब ठीक है दो 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 और उस टाइम पे आईफोन उस टाइम पे ब्रो मैं बीमार ही था यार कह दे यार मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है ब्रो कुछ कर मेरे को और पैसा जो भी हुआ आज पता चल रहा है उसकी पंद्रह सौ रुपए फीस है भाई मैंने पूछा भी नहीं इमरजेंसी की जनरल बस बोला कि पंद्रह सौ रुपए फीस और लोग आ रहे हैं अभी भी देखने के लिए उसके पास मोहित यूपी शिफ्ट हो जाए

नेक्स्ट है मैं भी सत्रह का ही हूँ मुझे अपने कॉलेज में एक लड़की पे क्रश है मैं इंटरवर्ट हूँ कैसे बात करूँ आप तीनों का फैन हूँ शाउट आउट दे दो समीर भाई एक शाउट आउट सत्रह के हो तौर से जाओ देख लो अपना हिसाब किताब क्या होगा ठीक है बादल बता दे बता तू भी कुछ बता के तीन तीन चार चार बार लोगों ने पूछा है अबे रुको मैं एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ तुम तुम कंटिन्यू रखो तुमने तो तीन चार आठ बार भी टीनेज लव देखा हुआ है टीनेज लव देखने की बात कर रहे हो भाई मत पूछो यार <laughs> नेक्स्ट है प्रभास 2023 चार हॉरर कॉमेडी एंड स्पिरिट बाय वांगा के किसी ने ये लिख के चला गया भाई ठीक है आगे पीजे ब्रो व्लादिश व्लादिश लावा गलगन गलगन को फॉलो फॉलो करो ये कौन है भाई हो गया अकेले में सर्च करना नहीं 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 शी इज अ फिटनेस मॉडल ओरिजिनली हैली एंड फ्रॉम टेमरुक रशिया ठीक है रशियन फॉलो कर लेता हूं बाद में देखता हूं क्या हिसाब किताब अच्छा नहीं देखा यार मैंने इसको ओके ठीक है नेक्स्ट है गाइस रिव्यू अपना सागर द छे येलो ट्रेलर भाई नाम पहली बार सुना यार भाई यार ओके okay, ब्रो ओके okay. और मैं रीजनल सिनेमा बड़ा बूम कर गया है यार बीच में हम्म mm. बड़ा बूम कर मैं नाम भी नहीं सुने यार कहां-कहां से चीजें आ रही हैं सभी अच्छी हैं अजी बात नहीं है अच्छी नेक्स्ट uh, है सौरभ कौशिक अपने मेंबर हैं नॉर्मल चैट में पूछते हैं भाई ब्लू बीटल वर्थ है क्या देखने के लिए यस yes. ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लेके जाओगे तो मजा आएगा आ, ऐसा तो, को, ऐसा मत तो, सोचना कि तो, स्टोरी से आपको कुछ ट्विस्ट टर्न देखने मिलेंगे। एक सिंपल, नॉर्मल ओरिजिन मूवी है, है। पर अच्छी मज़ा हाँ। मज़ा चाहिए तो इंसान शेयर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ स्ट्रीम इंसान प्लीज टॉक अबाउट योर ओपिनियन

Hmm. वो बंदा बड़ा सही था भाई वो जो मिला था अपने को स्ट्रीम पे जिसका चैनल रेड किया था भाई <laughs> आ भाई यार गजब तो मजा आ गया आंखें नहीं देखी थी <laughs> बहुत इंटेंस था भाई वो बहुत इंटेंस था वो <laughs> याद कर गया जी यार नेक्स्ट है हेलो गाइस दिस इज माय फर्स्ट सुपर चैट प्लीज शाउट आउट दे दो अजय अजय भाई आपको शाउट आउट शाउट आउट अजय मोहित भाई मूवीज पीवीआर ऑरा મે દેખતે હો ક્યા હ્યુજ ફાન નહી નહી દેખ પાતા મેરે ઘર સે ઓપોઝિટ સાઈડ પડતા હે વો તો નાઉ યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ કી પીવીર સે ઓપોઝિટ સાઈડ મેં ક્યાં હે યે આપ ઠીક હે મોહિત કા ઘર કીધર હે વહા જાકે પૂછી લોગે ડોક્ટર સાબ કા ક્લિનિક હે ક્યા તો હા બત આપ બતાહી દો તુમ સબકો ઠીક હે યો યો બ્રો યો યો અબ શોર્ટ લિસ્ટ કરને લગેગા ડોક્ટર્સ કિતને ઇસ इलाके મે અબે અબે તુમકો મેં બતાઉં ઠીક હે મતલબ મોહિત કા તો તુમ કર લેના મેરા ક્યા ہوا تھا મેરા એક હરામકર દોસ્ત થા शायद गेम का स्ट्रीम वगैरह कर रहा था मीम का कर रहा था उसके चैट में उसने नंबर डाल दिया मेरा अरे भाई हाँ, सुनो ना तो जैसे अपने को दिखता है कि यूट्यूब कोई कोई चैट अपने आप रिट्रैक्ट कर लेता है ना वो तो अपने को फिर भी दिखाता है यहाँ पे लाइट करके उसको तो मेरे को दिखा कि यूट्यूब ने हटा लिया जैसे उसको लगा कि दस नंबर इसने लिख के भेजे तो हटते मैं, मैं उसको बोला कि नंबर हटा लिया तो अगले सुपर अगले लाइफ स्ट्रीम में क्या कर रहा है आठ नंबर स्टार्टिंग के आठ नंबर लिख दिया उसने चैट में लास्ट के दो छोड़ दिए और वो लोगों तक तो चला गया एक बंदे का कॉल आया मुझे उसने क्या किया आठ नंबर लिया फिर उसका गया जीरो वन, जीरो टू, जीरो oh, सारे मुझे आपका नंबर ढूंढाई यह नहीं बोलूंगा मैं बट इतना बोलूंगा कि जो हंड्रेड है ना हंड्रेड वन टू हंड्रेड उसमें काफी नीचे आता है वो

नहीं, नहीं मैं, प्लान कर रहा हूँ स्टार्ट करने का ओके नेक्स्ट है, है मोहित सर टेल अस अबाउट पेशेंट हुज लाइफ यू सेव्ड अबे ऐसे मैंने तो मतलब ऐसे कभी पर्सनली कोई ऐसे किसी की बहुत ऐसे जान नहीं बचाई क्योंकि मैंने कभी ऐसे ट्रॉमा हैंडल नहीं किया ना इमरजेंसी ट्रॉमा तो ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ पर ऐसे आर्मी आर्मी में थे तो काफी सारे पेशेंट आते थे रात में खतरनाक खतरनाक वो हाँ ऐसे

नेक्स्ट है मैं अच्छा आगे भाई मैं लड़की को लाइक करता और उसको पता तू पढ़ ले भाई मैं नहीं पढ़ रहा अभी ये सब चैट ठीक है मैं नहीं पढ़ रहा ये सब चैट है क्यों क्या हुआ तू पढ़ ले तू क्या पहले हुआ पहले बताओ पीजे व्हाई यू नॉट रीड नहीं मैं आज आके दो समोसे खाऊंगा फिर देखूंगा भाई समोसा तो मुझे भी खाना है यार भाई मैं लड़की को लाइक करता और उसको पता भी है कि मैं उसको लाइक करता और और कहीं ना कहीं उसको भी मैं पसंद हूँ बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है बोल बादल तो भी बोल देना मैं क्या बोलूं जाके है जो सामने सीधा बोल दो भाई कि जो है पसंद करना है नहीं करना मतलब तुम अपना कैनन इवेंट करवा लो हाँ, हाँ हाँ सोचते हो तो नहीं है लेकिन देखो वही चीजें क्लियर हो जाएंगी कि तुमको गलत थी या सच में तुम्हारा हंच सही था नेक्स्ट है तीनों नाम लेके बर्थडे विश कर दो 26 को है कौशिक भाई 26 के लिए हैप्पी बर्थडे आपको हैप्पी बर्थडे कौशिक भैया मेरे नेक्स्ट टाइम मेरे पास बहुत पैसा पास है जातिज <laughs> तो 40 रुपए देके मेरे पास हो <laughs> <laughs> आगे बढ़ जा भाई नेक्स्ट से मोहित भाई मोहित व्हाट इज वीजा एक्सप्लेन हाउ डॉक हाउ डॉकरेंसी करेंसी एक्सचेंज समझा नहीं मैं वीजा एक्सप्लेन करिए आप क्या होता है वीजा मतलब दूसरी क, अच्छा दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आपको कंट्री का वीजा लेना पड़ता है अपने पासपोर्ट पे ठप्पा लगता है तो वो उतने दिन के लिए आपको वीजा मिलता है कि आप उतने पर्टिकुलर डेज के लिए पंद्रह दिन का वीजा मिला है तो आप उतने दिन उस कंट्री में स्टे कर सकते हो और वो, वो एम्बेसी देती है वो उस कंट्री का बस ये है और उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट यार मतलब दुनिया घूमने के लिए मुझको क्यों पासपोर्ट की जरूरत होनी चाहिए मैं कहीं भी नहीं जा सकता हूँ भाई वहीं जाके वहीं बस गए तो फिर क्या डॉक्यूमेंटेशन है क्या प्रूफ है तो भाई दुनिया सबके लिए ओपन वर्ल्ड भाई तभी ऐसे नहीं होता भाई पे और के, हाँ, एक फ्रांस की टिकट देना ये यूएसए अगर तुम यूएसए में रहते ना तो ये काम हो जाता यूएसए वालों को जरूरत नहीं पड़ती वीज़ा की यार। Next, uh, मिला है सर्वे देने के इतने ही हैं साठ रुपए और उन्होंने एक ढोसा खाली होते होती है आपको मैं <laughs> आगे है भाई टीन वुल्फ और दी वेम्पायर डायरी कैसी लगी देखिए किसी ने टीन वुल्फ देखा टीन वुल्फ देखा Next टीन वुल्फ है। अच्छा है टीन वुल्फ इज वेरी गुड तीन सीजन तक देखा है मैंने उसके बाद इट वेंट डाउनहिल तो मैंने फिर बंद कर दिया नेक्स्ट है भाई अब मैं क्या करूं मैं उसको बहुत लाइक करता हूं नाम इनका भी प्रियांश है आगे एक यू रह गया पाटिल प्रियंश पाटिल भाई देखो तो जो भाई। भी है आराम से समझा आराम से बोल दो फिर जो रिस्पांस आएगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना भाई साहब नेक्स्ट है भाई रिलेटेबल एनिमे कैरेक्टर वाला क्वेश्चन याद है नहीं अच्छा मेरे से पूछा था किसी ने रिलेटेबल एनिमे ओके ठीक है वो आई हैव नो एनिमीज मैंने बोला था आ उससे तुम रिलेट करते हो थॉरफिन से कैसे नहीं उस, उसका जो बात की जो आइडियोलॉजी थी ना मैं लफड़ा अच्छा, नहीं पालना भाई मेरे को किसी से अच्छा ठीक है वो तो अपने रास्ते में अपने रास्ते शांति वाली जिंदगी शांति वाली जिंदगी नेक्स्ट है कैंग विल रिप्लेस बियोंडर एंड लोकी विल रिप्लेस डू कायदे से तो मास्टर रोशी आइडियोलॉजी तुम्हारे लिए सही क्या छोड़ो रोशी है, रोशी क्या भाई यार मेरी जिंदगी पे अलग है नहीं नहीं ठीक है

अगर लोकी डूम को रिप्लेस कर देता है और कैंग कैंक तो मतलब एक ही बंदा तो एग्जिस्ट कर सकता है ना सीक्रेट वॉर्स में mm. या तो बियर एग्जिस्ट डूम एक, दो सीक्रेट हो चुकी एक का विलन बियडर था और एक का विलन डूम था mm. तो अगर ये दोनों में से एक ही बनाएंगे ना अगर दोनों को मिक्स भी कर देते तो विलन तो एक ही रहेगा ना सो इधर इट विल बी डूम और इधर इट विल बी बियॉन्डर कर तो लेने दे भाई मार्वल को एक तो हो हाँ। ही जाओ उसे वही नेक्स्ट है पीजे भाई कोर्ट्स एंड वर्ल्ड आप पे अच्छा मेरे कोर्ट्स डालता है और नहीं उसको फॉलो कर लिया करो जो मेरे कोर्ट्स डालता है ठीक है नेक्स्ट है प्लीज रीड 20th सेंचुरी बॉयज मांगा पढ़ी है किसी ने ये है क्या देखो तो 20th सेंचुरी बॉयज अच्छा कॉमेडी ऐसी लग रही है मांगा ना 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 कॉमिक्स पीरियड्स okay. ना कॉमेडी लग रही है मुझे आगे है तुमसे मिल मिलूं और हक करने बोलूं मना तो नहीं करोगे मना क्यों करूंगा भाई नहा गया ना एक किसको क्वेश्चन पूछा तुमने पहले वो क्लियर करो ड्राइंग मांगा मैं ड्राइंग मैन नहीं क्योंकि अगर मोहित से पूछा पूछागा मोहित अभी तो मना कर देगा <laughs> जिस हालत में है वो बिल्कुल कर लेंगे यार नेक्स्ट पीजे ब्रो योगा वाली दीदी कैसी है लव यू वर्क गाइस एंड बादल वर्क ऑन योर हॉरर मूवीज हॉरर देखा कर बे अबे छोड़ो तुम बताओ ये हो, योगा वाली का नाम लेते तुम हंस क्यों दिए भाई बड़ा गंदा ट्रॉमा था भाई अरे <laughs> तो चोट हो गई थी ना इसके बाद बड़ी बड़ी गंदी बड़ा गंदा रिजेक्शन था आ बताया था शायद मैंने मैंने देखा नहीं उसके बाद से उसको वो वो बता आप चाहिए कुछ नफरत करने के लिए तो आप कर आप किसी और कमिटेड लड़की पे तुम मारोगे तो, तो, तो फिर पता तो... नहीं था भाई एक महीना फीस देने के बाद पता चल रहा है। उसमें मेरी गलती है एक महीने पैसे भी दे दिए तो पहले इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है ब्रो ये सब मुझको याद नहीं करना नेक्स्ट है पीजे भाई मार्गो जैसी लड़की तुम्हारे मोहल्ले 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 में रहती तो क्या करते? वाले लड़की वाले लड़की वाले क्या करते वाली वाली लड़कियों करता बारता? रिजेक्ट हो जाता मैं देखो नहीं सीधी, सीधी देख रहे बाय द वांट टू बी बैटमैन टूजे पीजे को बनाते हैं विलेन ओरिजिन स्टोरी जितना अरिजिन्स मटेरियल तो है ही ठीक है हा? मैं मैं अपने मोहब्बत को पानी वाले टैंकर में रखूंगा कि मेरी जान मैं तुम्हें तो बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं और खुद हाँ। बर्फ में जमा हुआ हूं मैं हाँ। बिना बिना मशीन के जिंदा खुद भी नहीं रह सकता तो भाई साहब यार आगे है बादल वोंट से दिस बट ही लाइक्स फिल्मी इंडियन

आ, लिखा है किसी आई डोंट गेट इट हाउ पीजे सिंगल अब मुझे भी नहीं पता यार मुझे भी बता दो पीजे जिसने भेजा उनका नाम तो रीड करो वो लॉन्डे ने बनाया होगा किसी लड़की के आईडी तो इसीलिए सिंगल है ये इसीलिए ये बिलीव ही नहीं करना चाहता कि कोई फीमेल फैन फॉलोइंग हो सकती है इसकी नहीं भाई मैं 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 और सुनो अगर अगर है भी ना तो इसकी पॉलिसी है कि फैंस के साथ नहीं करना नहीं हाँ मैंने मोहल्ले वाली मैंने साथ नहीं करना मैं मैं हाँ। जिंदगी में जितनी भी लड़कियां की भेजी हुई एजेंट है। है? मेरा उनको तो देश चलाने के अलावा यही काम है कि की पीजे की जिंदगी बर्बाद करनी है मुझे और कैरेक्टर डेवलपमेंट से उनको क्या मिलेगा मुझे क्या पता क्या मिलेगा देश का अगला लीडर आ, भाई यार सब सब स्टेट की एजेंट है भाई कोई भी लड़की तुम्हें तो इंटरेस्ट दिखाती है तो कोई मतलब नहीं है ये तो वही बात छोड़ो रेंदो और पॉलिटिकल नेक्स्ट है आ आ गए आधा ठाकुर बच्चा बादल पीजे दी ब्रो आज दोपहर में क्यों मैं हमने शुरू में ही बता दिया आज दोपहर में क्यों हमने ये सब चीजें की नेक्स्ट है पीजे सिनिस्टर देखो स्केरियस मूवी टू स्टडी देखी है मैंने सिनिस्टर

है कि नहीं, नहीं ये यह, यही मत बुलाना भाई ऐसे ख्याल है वो पता नहीं शायद मेरी बहन कोई के ड्रामा देख रही थी ठीक है हां वो बिलियनर लोंडा आता है उसकी ऑफिस में लड़की उसे लाइन इन दे रही होती है कोई और भी लड़की उसे लाइन इन दे रही तो कमाल नहीं इंस्टाग्राम मॉडल इन्फ्लुएंसर ठीक है सीईओ को लाइन दे रही होती है। वो लोंडा ऑलरेडी बिलियनर ठीक ना एकदम सिग्मा मेल टफ और कोई एक शादीशुदा भी लड़की पसंद आई होगी लेकिन प्यार हो जाता है उसको किराने की दुकाने वाली है एक वही। और ठीक ना जो थोड़ी सी टॉम बॉयश होती है भड़क जाती है उसके ऊपर उसको थोड़ी सी किंकी स्टफ पसंद <laughs> भाई साहब तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी सूट बूट पहन के जाऊंगा तो फिर कुछ ट्राई किया जाए चल भाई आगे की पढ़ आगे पढ़ लेते हैं 19 <laughs> 19 ओन अ बिजनेस हैव अ गर्लफ्रेंड फ्रॉम द पास्ट 7 इयर्स यार

Ah, okay. yeah. Next, for, of of Achha, आ गए नेक्स्ट है पेशेंट कम्स टू मोहित क्लिनिक एंड से इट्स एन इमरजेंसी देन अ मार्वल ट्रेलर कम्स आउट मोहित आई एम बिजी इन पोस्टमार्टम फॉर ऑफ ट्रेलर ऑफ द मूवी अच्छा ट्रेलर आ जाए मार्वल में बिजी है कोई इमरजेंसी का केस आए तो क्या करता प्रिया है ना प्रिया देखती अच्छा ओके मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर्ड मॉडर्न सॉल्यूशंस या ब्रो नेक्स्ट है आज सत्तर एम एम आई मैक्स में ओपन है मैं देखी लास्ट लखनऊ में आई मैक्स में देखी थी मजा आ गया एक्सपीरियंस भाई अपना वो भी 70 mm में वी आर सेम पीजे फॉर गर्लफ्रेंड ओ भाई साहब खैर अपना काम करते रहते हैं अपन थैंक यू फॉर सजेश तीनों एक बार शाउट आउट दे दो शुक्ला साहब आपको एक बहुत ही अच्छा सा शाउट आउट आपका सर नेम बता है आप अमीर होंगे आगे ठीक है नेक्स्ट है भाई आज अश्लील सुपर चैट नहीं करी एक चुम्मी ले लो ठीक है अच्छा देव गेमिंग ओके थैंक यू भाई थैंक यू पीजे इफ यू से आई कैन सेंड यू अ गाइड टू मेक अ गर्लफ्रेंड नहीं नहीं मत कर भाई नहीं कौशिक भाई आप तो मत ही भेजना ठीक है uh, आगे मुझे नहीं चाहिए है? 21st बादल को उन्नीस अक्टूबर मोहित अपना बताओ ट्वेंटी फर्स्ट गलत बताया भाई तूने मेरा <laughs> हाँ। क्या बताओ अपना बताओ डेट बर्थडे बर्थडे ठीक है भाई ठीक है भाई मैं तो मैं थोड़ा सा कुछ कुछ चीजों को मेरे को लगता है कि अपने अपनी 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 खुद की रहनी चाहिए ना आ, मार्च में आता है कभी मार्च में पूरा ये तो अभी बता ही दिया था बर्थडे हेलो अब पूरे मार्च में, में सेलिब्रेट करना तुम पूरा मार्च आ, नेक्स्ट है मोहित भाई मैंने आपको समन करके ए, ए करने के लिए सितारा बना बना के मोमबत्ती जला के कोशिश करो करो थी पर आपके बस राइट हैंड अपीयर हुआ अब पूरा कैसे समन करूं अच्छा राइट हैंड तो मेरा अपीयर हो ही नहीं सकता राइट हैंड तो उसमें राइट शोल्डर और हाथ लेफ्ट हुआ होगा ब्रो फिर से चेक करो नेक्स्ट oh, है व्यूग भाई को पॉडकास्ट एज ए गेस्ट बुलाओ शाउट आउट सोचेंगे इसके बारे में नेक्स्ट है वेयर डू यू रीड मांगा एनी रिकमेंडेशन पैसे दे वेयर डू यू रीड विज करके उनका

अच्छा okay. आई okay. क्या तुमको बादल मेरे को आई थोड़ी थोड़ी ओके okay. नेक्स्ट है पीजे एंड माय लव स्टोरीज आर सेम ओनली धोखा मोहित गेट विल सून ब्रो धोखा ब्रो मेरे को धोखा तक जाने का मौका नहीं मिला भाई ठीक है गिन मत मेरे को अब भाई साहब नेक्स्ट है मोहित भाई एंड गेम में कैप्टन सोल स्टोन वापस करने के बाद किसी और सोल को रिवाइव क्यों नहीं करता एज अ सोल फॉर अ सोल

पढ़ ले बादल यार, क्या आ, है? आ, ये खुद का अपडेट दे रहे हैं कि वन पीस एपिसोड टू जीरो सेवन पे पहुंच चुके लॉन्ग रिंग लॉन्ग आइलैंड आर पे ओके मोहित बादल ओपी के वन पीस के लॉन्ग रिंग लॉन्ग आइलैंड हाँ या नाम है आर्ट का मोहित बादल वन पीस के कॉमेडी कैन एक्शन एपिसोड देख लेना लुफी सिंगिंग की वाई टी देखना ओके अच्छा लू हाँ मैंने देखे जैसे मैंने मांगा रीड किया तो वो एनीमे के मोमेंट्स कुछ मिस कर दिए तो ट्विटर पे यूट्यूब पे दो चार सर्च के लिए तो वो सजेशन में आते रहते हैं उसके कॉमेडी वाले सीन्स जैसे वो एक बुक रीड करने जाता है <laughs> वो सीन काफ़ी सही था नेक्स्ट है भाई नाम सही से पढ़ लो और मोहित के सामने शाउट आउट आकाश गुप्ता सिंपल तो नाम है भाई भाई थोड़ा ध्यान से रीड करो पी आकाश गुप्ता भाई सही सही स्पेलिंग स्पेलिंग बोलो ज़रा पी OP हो जाए में. भाई मैंने देखा ही नहीं क्या <laughs> लिखा तुमने पहली बार गलत रीड किया तो उसने सुपर चैट बोला कि नाम ठीक से रीड कर ले उसको तुमने तीन बार गलत रीड किया क्या गलत थोड़ी अक्ष अक्षत गुप्ता ये बेसिकली ये, लो, ये लो, क्या होता है ना कि देखो तुम रीड नहीं कर रहे हो तुम एक पैटर्न देखकर जो तुम्हारे माइंड में पहले से सेव है तुम वो चीज बोल रहे हो ओके okay. सेक्सी भाई अक्षत अक्षत भाई सेक्सी नाम ठीक है <laughs> आगे है बिग फैन ऑफ योर ऑफ योर गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट जवान इट्स ऑलरेडी क्रिएटेड स्टॉर्म यूनिवर्स इस एडवांस बुकिंग कुछ आ जाए तो भाई मैं भी उसके ऊपर बहुत बात करना चाहता हूं भाई ट्रेलर नहीं आया और उसका अभी तक क्या आने वाला होगा अरे ये लोग मूड खराब मेरा आई थिंक आने वाला होगा आप कभी भी नेक्स्ट है मोहित भाई हाथ कितने दिन रह गए तो 17 दिन रह गए ना उसको अगले 5 दिन में ड्रॉप होगा आई थिंक हो जाना चाहिए मोहित भाई का हाथ कैसे टूटा हमारी पिछली पॉडकास्ट में आपको जानकारी yes. मिल जाएगी yes. यो ब्रो

लिखा है एम एम डी टी वी एम डी टी वर्स को शाउट आउट दे दो प्लीज पीजे मोहित अनबादल शाउट आउट शाउट आउट टू यू ब्रो एम डी टी वर्स, वर्स you, bro, M D T Words. नेक्स्ट है पीजे भाई सुपर चैट ध्यान से पढ़ना पहले दो तीन बार अपने बहुत सारी अंडर हंड्रेड मिस करी हैं प्लीज डिस्कस ऑल अबाउट दी एनिमे इवेंट द यूट्यूबर्स पीपल यू मेट अबे पढ़ तो रहा हूँ मैं सर पहले उसने बोला पैसा दे रहा हूँ पहले पिज्जे की इज्जत लूंगा फिर जाके मैसेज बताऊंगा कि क्या बोलना है मुझे ये बताया तो इवेंट एनिमे इवेंट के बारे में क्या एक्सपीरियंस था ताको बहुत ही अच्छा था लोगों से मिला लोग बेस्ट पार्ट थे काफी ऑक्यूपाइड रहा जिसमें से कमी नहीं पाई अब यूट्यूबर्स के बीच में क्या बात हुई वो नहीं मैं बताने वाला ठीक है गॉसिप नहीं यार गॉसिप नहीं थी अपनी दुख पीड़ा दर्द और क्या आगे है योद्धा भाई कौन सी जंग में आप गया वो भी बता चुके हैं पिछले वाले में यार पीछे तो। चैट जो चल रही है वो मत देखना अभी ठीक है आगे आ, भाई तीन दिन पहले ए, से शीहल को एक साल हो गए एक साल हो गए उसको भाई अब तो एनिवर्सरी अपने को सेलिब्रेट करनी चाहिए केक काटना चाहिए ना हरा हरा लाके गोबर की बात कर रहे हो वही गोबर वाला केक काटना चाहिए बॉलीवुड की तीन एक्ट्रेस इन पीपीएफ गर्ल्स एंड उनका डैड कौन पावर पफ गर्ल्स ना हम्म पावर पफ गर्ल्स आई थिंक एंड उनका डैडी कौन बस भाई अब सुपर चैट बंद कर दो यार यार मत भेजना मोहित डॉक्टर अतुल भट्ट अच्छा अच्छा तीन एक्ट्रेस इन पीपीएफ अच्छा ये बताओ तो सही कौन तीन होनी चाहिए uh, तीन मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से ऐश्वर्या कैटरीना जैकलिन तीन हो गई हां तीन हो गई तीनों हो गई और उनके उनके डैड प्रोफेसर hmm, नहीं तो तो बता रहे हो लेकिन तो उम्रदराज एक्टर्स है ना ये तो मैच्योर है अबे तुम समझ नहीं रहे मैं बाक <laughs> भाई को, कोई नहीं कोई नहीं आगे आगे तुम यार मिस कर गए समझाओ ना पॉइंट मिस कर गए तुम यार तुमको हिस्ट्री नहीं पता प्रोफेसर साहब बनेंगे भाई यार अच्छा ओ अच्छा यार जैकलीन और क्या बोला था छोड़ा रहने जोक एक्सप्लेन करना पड़ गया ना मतलब फिर सर मैं समझ मत मैं क्या बताऊं मैं बहुत भोला लड़का हूँ ना मैं क्या अरे वाह कुछ <laughs> ऐसा गंदी-गंदी बातें नहीं लगती ना इसीलिए मैं बिग बॉस में कभी नहीं जाऊंगा कभी <laughs> नहीं, नहीं जाऊंगा <laughs> वो हराम को नहीं क्लिप काट के दिखाएंगे सलमान उधर ही उधर ही भाई जान तो भाई रेड कारपेट से वापस जाएगा ये वापस नेक्स्ट टाइम मोहित डॉक्टर अतुल भट्ट नामक का जेबीपी में कोई रिलेटिव है जबलपुर में नहीं ओके okay, वो भी डॉट्स कनेक्ट कर रहा है बंदा ये तो ठीक है गो गो गोइज मुझे जी हो देखो मोहित के रिलेटिव ये अतुल भट्ट वगैरह नहीं है मोहित के रिलेटिव में सीधा आते हैं कार्तिक आर्यन ये बता गाइस मेरे रिलेटिव नहीं है भाई वो गए थे ना शादी में तुम तो वो मेरे रिलेटिव के पहचान पहचान के

अपने तो है ही नो ठीक है अपने तो है ही नो मेरे जो है वो तुमको उतने फनी नहीं लगेंगे क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं बता नहीं पाऊंगा ठीक है आ लिखा है भाई, भाई भाई अभी, अभी आपके पास कंटेंट नहीं है बनाने को तो मेरे पास एक आइडिया है आप फैंस की सजेशंस की हुई मूवीज देख के रिव्यू कर दो रेट्रो भी हो हो जाएगा मैं सिलेक्शन चालू द कार्बन चोरी ऑफ टुमारो शॉर्ट फिल्म ओके okay. देखो फैंस के सजेशन से मूवीज बनाना शुरू शुरू के लिए अच्छा होता है आ... बाद में नहीं बाद में बाद में आपको अपने एनालिटिक्स का भरोसा करना है क्या बनाना चाहिए नेक्स्ट है एक मंथ से दो के अकाउंट में डाल कर रखा हूँ आज काम आएगा अच्छा कौशिक बाहर तो तब तब से तो चालीस रुपए देके पूरा दो खाली दो करेंगे दो आज तो खरीद रिव्यू पैशन ऑफ

नहीं देख लेना नहीं देख नहीं पाओगे आप भाई भाई यार भाई यार यार क्या पिक्चर है किया कैसे यार, ल, 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 के साथ ये मन किया ए तो, मन, सुना, स्बोलर नहीं स्पॉइलर उसके मन किया मारू दो थप्पड़ उसको अभी उन्होंने सच में शूट किया भाई भाई तो इसलिए तो बोल रहा था मैं देखो भाई भाई यार वो भाई वो बेड तोड़ दे अपना तेल लगा रहा है इतनी <laughs> भाई यार लिटरली इतने ऐसे ऐसे सीन से वो जो शूट कर रहा होता है ना ब्लैक एंड व्हाइट वाले को भाई यार पलूची मान गई करने के लिए बारह तेरह साल का लौंडा था भाई वो तो अब, अब बाद में बोलूंगा मलीना देख ले भाई इससे तुमको आइडिया लग चुका होगा पीजे की फैंटेसीज कैसी है अरे भाई देखो हर किसी की जिंदगी में एक मलीना होती है ठीक है अब उतना उस हद तक नहीं जाते अब लेकिन होती सर नेक्स्ट है, है पप्पू कोई एजेंट भेजे उसकी तरह बोदाम टोक्यो करो करोगे कोई यानी में वाला है क्या नहीं। पता नहीं अच्छा वो हो, हो। आ, जो मोदी जी के एजेंट बोला तो पप्पू टोक्यो <laughs> <laughs> आप नहीं भाई ऐसे नहीं, नहीं। ऐसे आगे आगे है है? साथ करोगे, सोचेंगे उसके बारे में, में में ठीक है। आगे सीरियस अगर आप में तीनों में से कोई शादी करे, तो तो आओगे। मोहित भाई क्योंकि ज़... जबलपुर में हूँ अरे भाई थैंक यू सो मच यार देखेंगे बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है इट्स नॉट इजी टू ट्रेवल वर्किंग ये जापान वाले हैं क्या नहीं नहीं जबलपुर वाले अच्छा, जबलपुर वाले अच्छा जापान वाले अलग थे आ, तो वहीं अटका हुआ हाँ है जापान में बादल ठीक है हवा दिमाग में आया जापान जाएंगे अब माय गॉड छाती चौड़ी दिल है बड़ा सोने का है ठीक है आगे है 12 से पसंद करते थे रिलेशनशिप में 2017 में आए अच्छा वो। अच्छा वो 13 अच्छा 12 का सालगा था तब ये तो भाई मत भेज अपने सजेशंस 12 का था तब नेक्स्ट है भाई उसने मेरे को अपने सारे डार्क सीक्रेट्स बताए हैं लेकिन वो मे, मेरा प्रपोजल को टाल रही है और हम दोनों की बातें भी कॉल पे लंबी होती हैं ढाई घंटा मुझे लगता है ना प्रयांश भाई आप कैनन इवेंट आप होने वाला है आप उस प्रोसेस में ठीक है देखो मेरे को लगता है आप जो है फ्रेंड जोन हो चुके हो तभी आपको सारी डार्क वाली बातें बताई गई हैं मैं बता रहा हूं अभी इवेंट के प्रोसेस में अभी वो कंप्लीट होगा कुछ टाइम में अभी अभी खाई की एकदम एज पे हो आप धक्का मारा जाएगा आपको गंसन गुलाब का रिव्यू मांग रहे हैं लोग मैं देख रहा हूं मेरा आज आने वाला था वीडियो बट आज नहीं अब कल आएगा नेक्स्ट है 21 uh, मतलब 21st डे बाद 10 सितंबर ओके ठीक है हमारा बर्थडे पीजे ओवर ठीक है 10 सितंबर को है क्या हां क्या रहेगा फिर पार्टी वार्टी क्या तो करेंगे बैठ के आता हूँ पर भाई अगर श्रेया दीदी नहीं सिर्फ मोहित जी उस चीज का एक्सपर्ट हो तो क्या करोगे आ ये वो ना, रहे हैं कि तो इनके इग्नोर करते हैं ठीक है आई थिंक आ... हो गया बादल नहीं नहीं है ना भाई अरे यार ऑफ कर दो नहीं हो गया लास्ट के थोड़े हैं आ, uh, अरे भाई तेरह से पसंद करते थे क्लासमेट फिर 2017 में रिलेशनशिप में आए तब तो से साथ हैं अपने पांच छह दोस्तों की भी हेल्प की है ओ अरे भाई साहब बकचोदी अच्छा नहीं भी सीरियस बोल रहा हूँ आई एम टू मैच्योर टू जोक लाइक दैट पीजे इन्होंने तुमको पूछा था कि आपको मैं बताऊ क्या कि हाउ कौशिक राज पटेल नहीं यार मेरे को जानना है नहीं मुझे कुछ करना नहीं अभी, आ, है अभी ठीक है कुछ नहीं करना है अभी मुझे अभी फिर अगले पॉडकास्ट में रोने लगे कि भाई उसने मेरे को ये कर दिया उसने वो कर दिया तो ये सब सवाल पूछते तो ना बोलता मैं मतलब आगे पढ़ ले मोहित भाई एक ऐसा ऐसी आदत बताओ जो आर्मी छोड़ने के बाद भी है ओके okay. <laughs> स्पेस नहीं अब, डाला यार अब तो कोई भी नहीं है हाँ। शुरू में इनिशियली थोड़ा डिसिप्लिन वाली चीजें रहती हैं जब आते हैं ना एकदम तो जैसे टाइम पे खाना और बिल्कुल टेबल पे बैठो तो खाना आ जाना चाहिए वाली वैसी तो तब तो मेरी शादीवादी भी नहीं हुई थी ना तो जैसे टेबल पे ऐसे आके बैठते तो लगता था यार नाइफ और फोक चाहिए मेरे को और ये लेफ्ट साइड पे क्यों है राइट साइड पे क्यों है तो थोड़ा सा लगता था इनिशियली और फिर थोड़ा सा तो आप कंडीशन हो जाते हो आप तो कोई ये भी नहीं है ये आज तो कटेगा बड़ा वाला हाँ भाई रूल्स होते हैं उसमें आप ऐसे क्रॉस में रख रहे हो तो उसका क्या मतलब बाद छूटे नेक्स्ट है मेरी गर्लफ्रेंड अब बोलती है उसको प्यार नहीं है क्या करूँ जैसे क्या है मेरे साथ में ऐसा था कि मेरे लिए ये चीज आसान होती थी मैं जैसे लेफ्टी हूँ Hmm. तो नाइफ और फोर्क उल्टे हाथ से पकड़ते हैं ना अपन hmm. तो मेरे लिए चीज आसान होती थी कि मैं मतलब जैसे कटिंग के लिए राइट राइट हैंड से नाइफ का यूज करता था और लेफ्ट hmm. हैंड से फोक का hmm. तो वहां पे किसी को कभी समझ में ही नहीं आया वो नहीं तो मेरे को बोलते रहते आखिरी टाइम तक कि इससे पकड़ो वो उससे पकड़ो तो मैं फोक से ही खाता था लेफ्ट हैंड से तो वो आखिरी टाइम तक थी ये चीज़ दैट वॉज गुड हाँ भाई 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 वो 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 रोटी सब्जी भी नाइफ एंड से खाते हैं <laughs> कैसे कैसे खा रहे भाई। आते थे भाई चलता है uh, है है नेक्स्ट मेरी गर्लफ्रेंड अब बोलती है उसको प्यार नहीं नहीं क्या करूं बादल बताओ मैं कैसे बता ना, मैं मैं बताऊंगा बता रहा। तुमने बोला ना ना फिर बो, बोला अपना साफ साफ हो है, नहीं है Uh, पूछो भाई क्यों नहीं है क्या दिक्कत है प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम को ही सॉल्व करो नेक्स्ट है बादल पीएल में आईपी अच्छा पीएल में फेवरेट क्लब कौन सा है अच्छा प्रीमियर लीग में अभी मैनचेस्टर सिटी तो भाई वो तो ऑब्वियस है बट ब्राइटन जो टीम है ना काफी मजा आ रहा है देखने में भाई दुबई वाली कंट्री वो अल फलाई भाई वो तो मतलब अंधा पैसा फूंक रहे हैं भाई अभी वो आया ना अपना कौन है लौंडा एक कौन सेक्सी जो लगता है क्या बोलते हैं उसको मैं इधर आया खेलने के लिए नेमार आया ना हाँ नेमार हाँ उसको मतलब सा, सालाना सौ मिलियन पाउंड गाड़ी मेंशन अबे भाई, भाई लियोनेल मेसी को वो एक बिलियन डॉलर दे रहे थे तीन साल के लिए एक बिलियन नहीं मना कर दिया मना कर दिया वो गया अमेरिका खेलने के लिए एक बिलियन समझते हो तुम एक बाकी आग एक प्लेयर के तो, लिए नेमार को भाईन पूरा प्राइवेट जेट भी दे रहे हैं आने, हाँ, आने तो, तो, भाई। तो भाई इंस्टाग्राम के लिए भी पोस्ट के हाँ, लिए भी हाँ, दे रहे आपको। भाई अंधा पैसा फूक रहे लोग भाई साहब हो गया भाई नेमार प्रीमियर लीग का मैंने बता दिया ब्राइटन देखने में मजा आ रहा है कौन लॉन्ग डिस्टेंस पे रिव्यू अपने रिलेशनशिप रिव्यू भाई यार नेक्स्ट है है बीएनएफ की कोर्स ली उसका 200 के क्योंकि एक सेकंड ना क्योंकि मैंने जैसे अभी तो बस कम्युनिटी डाला ना तो उसके अंदर कुछ रिएक्शन दिखे मेरे को कि लोग बोल रहे हां तू भी स्कैम करने आया लूटो ये वो वो मतलब मेरे को थोड़ा ऐसे बुरा लगा इंस्टाग्राम uh, पे okay. भी इंस्टाग्राम पे भी एक भाई एक, भा, एक ने स्टोरी में टैग करके बोला था कि आप ऐसे क्या क्या वर्ड यूज़ किया था उसने uh, क्या वर्ड यूज़ किया था कि मतलब uh, सस्ते में पैसा बनाओ लोगों को छूतियाँ बनाओ और निकलो बट मतलब अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो नहीं है क्योंकि इसके ऊपर मैं बीस इक्कीस बाईस दिन से काम कर रहा हूँ बाकी वीडियो वगैरह बनाने का टाइम नहीं मिल रहा तो मतलब मैंने अपनी तरफ से तो पूरा दिया है जो भी है और मेरे को मेरे को ऐसा लग रहा है कि वर्थ इट है बट अगर नहीं है तो गलती हुई मेरे से ऐसा बट करो ना अब यूट्यूबर्स हैं दहेज में पैसा तो मिलने वाला नहीं है नहीं, कहीं से तो बंदा क्योंकि क्योंकि मेरे को पहले से पता था कि यूजुअली वीडियोस तो फ्री होती है देखने के लिए अब उनसे आप पैसे चार्ज कर रहे हो और वो चीज़ अच्छी नहीं बनाई तो आपका आपने जितना भी चार पाँच साल से मेहनत करी हुई ये पैसा देने वाले लोगों के बीच में आपकी इमेज खराब हो जाएगी तो ये रिस्क था ये पता था मुझे इसलिए मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया है दे दे कि तो। yes. तो... बनाना है कि नहीं हाँ। उसके बंदे लिखा है दो सौ केस प्लस टू पॉइंट फाइव टोटल गोल्ड प्लस तो पाँच सौ ग्राम सिल्वर दहेज देना है लास्ट टाइम वाला हूँ आप को क्या लगता है सही है कि नहीं गुजरात से हूँ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है ठीक है दहेज देना बुरी बात है भाई ठीक है पहली बात तो ऑन कैमरा में बोलूंगा एंड uh, बुरी बात है आई एग्री नेक्स्ट तुम तुम तो बोलो मत तुम तो उल्टा देख रहा हो लौंडे होकर ठीक है <laughs> क्या? Uh, तो क्या मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये तो मतलब मैंने तो स्टीरो ब्रेक करे ब्रो uh, <laughs> मोहित ने तो रिवर्स यो नेक्स्ट है भाई लास्ट वीक टेस्ट खत्म हो गया डांस कर भाई यार मजे में आगे है मोहित भाई ए, पानित में एडमिशन हो गया मैनिट मानित क्या है कुछ टिप्स मैनिट मैनिट कॉलेज है यहाँ का uh, okay. काफी बड़ा इसीलिए सुपर चैट देके मतलब बता रहे हैं ना कि हो गया टिप्स पूछ रहा है hmm. क्या बस बढ़िया तो पढ़ लेंगे अच्छे से पढ़ो और क्या बस मस्त पढ़ो कॉलेज लाइफ एंजॉय करो नेक्स्ट इंस्टा हंड्रेड के हो गए थैंक यू गाइस फ्रॉम बुक्स बुक्स फ्लिक्स ओके आपने देखा आपका सुपर चैट कांग्रेचुलेशंस आपको आगे मोहित भाई आप किस चीज के डॉक्टर हो चाइल्ड केयर नहीं मैंने मतलब काम किया है काफी पीडियाट्रिक्स में तो मेरे को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पीडियाट्रिक्स का है okay. काफी ज्यादा एक्चुअली hmm. ठीक है आगे बंदा फिर एक लिस्ट हमको शेयर करता है जिन्होंने मैं तीन चार बार शेयर किया है रेल फॉल डेंसिटी ट्वेंटी फोर ब्लड फ्लो डेंसिटी 32 टू मिलीमीटर ऑफ डबल क्या शॉटगन डबल बैरल शॉटगन सॉर्ड ऑफ सॉर्ड ऑफ शॉटगन हाँ डबल बैरल शॉटगन मूवी नेम ओजी हीरो पवन कल्याण विलन इमरान हाशमी डायरेक्टर सुजीत अच्छा नोन फॉर साहो टीजर ऑन सेकेंड सितंबर, ओके ओके देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट है खूनी मंडे एज नेक्स्ट गेस्ट एंड मी एज गेस्ट वेन देव गेमिंग भाई साहब बड़े हो पहले पाली गुमर के हो उसके बाद देखते हैं हाँ। बादल क्या लिखा भाई है भाई देखो अब आप सुपर चैट बस अब लास्ट के पांच छह बाकी हैं उतना रीड करके डन प्लीज मत भेजो पैसे नहीं चाहिए पप्पा का मैसेज आ रहा है ठीक है पैसे देना ही है तो ओके शाउट आउट बी के रिव्यू बादल भाई आप का ट्यूटोरियल खरीद लिया ओ भाई बी के रिव्यू शाउट आउट ट्यूटोरियल खरीद लिया अच्छी बात है भाई ट्वेल्थ में हूँ करियर को लेके बड़ा कन्फ्यूजन है कि आगे क्या करना है इस कन्फ्यूजन को कैसे टैकल करूँ क्या करना है में में है है। है है। करियर को लेके है। आ, भाई देखो जो अच्छा लगता है, उसकी तरफ पहले पहले तो फोकस करो करो कि क्या पहले है करो में करना क्या डिसाइड ज़िंदगी करना अरे वही तो कन्फ्यूजन करना क्या है नहीं मतलब जो अच्छा लगता है वही करो ना मतलब उसमें पीजे ब्रो मूवी सजेस्ट करो ना ब्रूटल एक्शन एक्शन कॉमेडी ब्रूटल एक्शन कॉमेडी ब्रूटल एक्शन कॉमेडी यार डे शिफ्ट देख ले नेटफ्लिक्स पे आई थी अच्छी लगी तो मुझे हां भाई मैं अभी लड़के वाला हूं किया यार दिल तोड़ दिया आ आ अबे दहेज दहेज वाले ये नहीं एक सेकंड रुको दहेज वाले हैं ये लड़के वाले अच्छा ले रहे हैं भाई नत भाई यार

Okay. तो, तो फिर गार। गार। तो फिर इसको यहीं पे हम लोग यो गाइस डन करता है ये देख रहे हो बैक आए आए। कैसे आ रही एक है एकदम सिनेमैटिक लग रहा है कि नहीं चलो मोहित भाई अब तो स्टोरी देख भाई मीम डाला किसी ने एक ब्लू शर्ट में बच्चे के हां देखिए गाना नहीं चलाऊंगा कौन सी स्टोरी की बात हो रही है इंस्टाग्राम हाथों के <laughs> मजे लिए जा रहे मोहित के अबे यार लोग फायदा उठा रहे ठीक है भाई जिस दिन पता है ये जिस दिन वो हाथ वाला हटेगा ना उधर स्टोरी डाल दो ठीक है आ? आ, हो गया भाई ठीक सब हम्म ठीक है चलो फिर मिलते हैं बाय 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 टाटा बाय 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 मैं अच्छा, बंद मुझे कर ही करना है ना ठीक है मैं बंद कर रहा हूँ टाटा